आप मुझे कोई कंफर्म करेगा, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? हाँ सर, सर, यस जी। ओके। एंड एक बार आप सब माइक अपने एक बार देख लीजिए, वो म्यूट कर दीजिए बस, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो मैंने जो चार्ट लगा रखा है वो एकदम रॉ ही है, हम लोग स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं, कैसा लगाना है, क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल जो पूरा एकदम रॉ, जैसे आपका गो चार्टिंग पे खुलेगा। जैसे ही आप गो चार्टिंग के अंदर, एक काम करते हैं, मैं ये भी आपको शो कर देता हूँ कि आपको आना कैसे है। ओके, सो यहाँ पे जो जब gocharting.com पे आप जाएंगे, आपको अपने आईडी से लॉग इन करना है। उसके बाद यहाँ पे चार्ट्स रहेंगे, यहाँ पे आपको इक्विटी पे क्लिक करना है एंड ये विंडो ओपन हो जाएगी। सो ये वही विंडो है जो मैंने अभी ओपन कर रखी है। सो ये स्टेप भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी आपका चार्ट रहेगा ये बेसिक रॉ आएगा, इतना ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे अपने मार्केट प्रोफाइल के लिए जो इंडिकेटर्स हैं और जो बाकी की चीजें हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट प्रोफाइल के जो इंडिकेटर गो चार्टिंग हमें प्रोवाइड करता है वो हमें इंडिकेटर सेक्शन में मिलेंगे। ये जो सिंबल है ये इंडिकेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, देन फिर हमें ऑर्डर फ्लो में आना है। अब यहाँ पे आपको मार्केट प्रोफाइल के दो, यहाँ पे लिस्ट के अंदर दो आइटम शो हो रहे हैं, मार्केट प्रोफाइल एंड मार्केट प्रोफाइल टिक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मार्केट प्रोफाइल एंड मार्केट प्रोफाइल टिक दोनों एक ही तरीके की चीजें हैं, बस मार्केट प्रोफाइल टिक थोड़ा एक्यूरेट है। प्लीज एक बार माइक म्यूट कर लेंगे वैभव जी। एंड मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक बार आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, तो वापस आते हैं हम यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे, हमें जाना है मार्केट प्रोफाइल एंड मार्केट प्रोफाइल टिक के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको टिक का, चलो मैं पहले एक बार मीन्स आपको क्लियर कर देता हूँ। टिक का मतलब होता है कि हम किस मिनिमम प्राइस के ऊपर हम लोग अपना एनालिसिस करना चाहते हैं। टिक मतलब ये होता है कि जो यूएसए के मार्केट्स होते हैं, क्योंकि मार्केट प्रोफाइल अपने यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके ऊपर बहुत लोगों ने अखिलेश जी एक बार आप भी माइक म्यूट करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक हरी भाई एक बार आप देख लेंगे माइक किसका ऑन है, आप बता देंगे मुझे। ओके, ठीक है, हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। सो मार्केट प्रोफाइल एंड मार्केट प्रोफाइल टिक के अंदर डिफरेंस ये होता है, टिक हमें अलाउ करता है कि हम किस साइज के ऊपर एनालिसिस करना चाहते हैं, किस मार्केट टिक साइज के ऊपर। जैसे ये डिजिटल एरा है, तो अब क्या होता है कि जो भी यहाँ पे प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट या जो भी प्राइसेस हमें दिखती है हर एक कॉन्ट्रैक्ट की, वो कुछ एक टिक के ऊपर चलती है। जैसे 50 पैसे का टिक होता है, राइट, ऐसे ही 1 रुपए का भी टिक होता है। अब ऐसे ही फॉरेन मार्केट्स के अंदर 0.50 का टिक साइज होता है जिसके ऊपर प्राइस ट्रेड करती है। सेम अपने यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर 0.05 का टिक साइज होता है जिसके ऊपर प्राइस ट्रेडेबल होती है। ट्रेडेबल मतलब जिस पे सौदे बैठते हैं आपके। सो ये टिक साइज आप चेंज कर सकते हो। कभी कभी होता ही है कि हम लोग अभी इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, फिर इवनिंग के अंदर हम लोग क्रूड में या एनजी में, इनमें जाते हैं, तो वहां पे हम लोगों को जनरली थोड़ा चेंज करना रहता है। सो ये बट एडवांस चीजों के लिए आ जाता है। आप जनरली टिक को मैं आपको बता दूंगा, आप ऑटोमेटिक कर देना। निफ्टी बैंक निफ्टी के टिक साइज भी मैं आप लोगों को बता दूंगा जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ऑर्डर फ्लो पे जाना है, मार्केट प्रोफाइल टिक के ऊपर क्लिक कर देना है, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। अभी आप लोग सब लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे ऐड हुआ तो ये दिखा क्यों नहीं, ये मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि आप जितने भी ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, मतलब जितने भी लोग हम सबसे जुड़े हैं, सबको ये दिक्कत आई ही आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि वो लोग निफ्टी भी यहाँ पे लगा देते हैं स्क्रिप्ट में, ये चलेगा अपना फ्यूचर में जहां पे अपन को वॉल्यूम मिलता है। सो आप लोगों को यहाँ पे निफ्टी 50 फ्यूचर सेलेक्ट करना है ये। सो ये मुझे दिखाना भी जरूरी था क्योंकि हर बार यही इश्यूज आते हैं। अब देखो ये बता रहे हैं ना, निफ्टी इज एन इंडेक्स नॉट ट्रेडेबल एक्सचेंज, हेंस वॉल्यूम डेटा डजंट बीन प्रोवाइडेड। मतलब हमें यहाँ पे वॉल्यूम का डेटा नहीं मिलता और मार्केट प्रोफाइल के लिए उसको वॉल्यूम की जरूरत है। अब ये यहाँ पे खुद भी सजेस्ट कर रहा है, टू सी ऑर्डर फ्लो यूज अ सिंबल दैट इज ट्रेडेड निफ्टी 1 कंटिन्यूस फ्यूचर 1। तो हमें यहाँ पे
निफ्टी फ्यूचर में आ जाना है। अब आप देखेंगे तो मार्केट प्रोफाइल भी आ गई है, ठीक है। सो ये मैंने रेप्लिकेट भी इसीलिए किया कि सब लोग एक बार देख पाए कि ये जनरली सबके साथ ही आता है। सो इसके अंदर अभी सब आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ओके सो अब अपन जैसे मैंने यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल टिक को इनेबल किया, आप लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ये ग्रेश कलर का ये आई थिंक विकास सर इसको बोलते हैं कि ये ग्रे कलर का एक पट्टा आ रहा है जिसमें हाई और ये लो होते हैं। तो ये आपको ग्रे कलर यहाँ पे कई जगहों पे दिख रहा है, कई जगहों पे। इसी को मार्केट प्रोफाइल बोला जाता है। मार्केट प्रोफाइल की ऐसे डेफिनेशंस हैं, कई डेटा साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी अपने अपने डेफिनेशंस बना रखे हैं, लेकिन जो मेन अगर आपको मैं जस्ट बताऊं ना कि हाँ मेन चीज़ में मार्केट प्रोफाइल होती क्या है, वो ये होती है कि 70-70% ऑफ टाइम प्राइस ने किस जोन में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया उसको बोला जाता है मार्केट प्रोफाइल। कि 70% ऑफ टाइम इस जोन के अंदर प्राइस ने अपना टाइम स्पेंड किया, इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो भी सौदे जितने भी सौदे अपने लगे हैं वो इस जोन में लगे हैं। जो भी इंडेक्स जैसे निफ्टी का इंडेक्स है राइट, तो निफ्टी का जो इंडेक्स है जो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं वो इस जोन में हुए हैं। तो ये 70% का एरिया आपके मार्केट प्रोफाइल के हेल्प से यहाँ पे आता है। अब मार्केट प्रोफाइल मेन चीज़ ये है कि मार्केट प्रोफाइल से अपन को कितना समझना है, ऐसे बहुत डीप टॉपिक है कि मार्केट प्रोफाइल ये है वो है कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें इतना नहीं जाना है अपन को। अपन को सिर्फ ये समझना है कि ये टूल हमें कितनी हेल्प करेगा, क्योंकि पैसा बनाना है। पैसा बनाने के लिए जैसे विकास सर बोलते हैं कि भाई गाड़ी चलाना आ गया तो ड्राइवर थोड़ी बन जाएंगे, तो वैसे ये कि अगर मार्केट प्रोफाइल में डीप जाएंगे ऐसे जा सकते हैं, मैं खुद भी जाता रहता हूँ, लेकिन कुछ इतना फ़ायदा नहीं है। जैसे आप लोग कुछ और, हम लोग इसलिए डीप जाते हैं कुछ अच्छी स्ट्रेटेजीज मिले, कुछ और ज़्यादा चीज़ें मिले, लेकिन वो ऑलरेडी चीज़ें हम लोगों को जो सेटअप्स बनाए हुए हैं उसकी मिली हुई है। सो इस सेशन का पूरा मेन होल सोल मोटो यही है कि आप लोगों को मार्केट प्रोफाइल के बारे में मैं अवेयर कराऊं, इसकी एंट्री एग्जिट जो टाइम पे रहती है, लाइव मार्केट के अंदर एंट्री एग्जिट के कुछ रूल्स हैं वो विकास सर आपको बताएंगे कि वो कैसे लेने हैं लाइव मार्केट में, क्योंकि अभी मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी पावरफुल चीज़ है ये। तो मार्केट प्रोफाइल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये जो बन रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ पहले से पता लग जाए कि यहाँ 70% टाइम यहीं पे होने वाला है, तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को एज नहीं मिल गई यहाँ पे, ये जो लेवल्स आ रहे हैं इसको बोला जाता है वैल्यू एरिया हाई, इसको बोला जाता है वैल्यू एरिया लो, ये यहाँ पे लेवल लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है लेवल, यहाँ पे भी है, ऐसे सारे पुराने जितने भी सेशन से सब में लेवल लिखे हुए आते हैं। अब ये लेवल्स अगर अपन को मिल जाए, नो डाउट ये एकदम एक्यूरेट लेवल नहीं होते हैं कि एकदम अप टू द पॉइंट यही लेवल रहेंगे, इनमें डेविएशन होता है 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स का, लेकिन उतना बेरेबल है कि इतने बड़े बड़े जो स्मार्ट मनी या हेज फंड्स हैं उन लोगों के पास भी एग्जैक्ट लेवल किसी के पास नहीं होते, इस दुनिया में एग्जैक्ट लेवल किसी के पास नहीं आ सकते, बट नियर अबाउट अगर हमें उसका आइडिया मिल जाए तो भी हमारे लिए वो एज है राइट, क्योंकि 90% लोग यहाँ पैसा गंवाने आते हैं, हमें 10% में आना है, तो 10% में अगर आना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अगर हमें यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ ये लेवल्स पे मिल रहे हैं, दैट मीन्स हमें एक विजन तो क्लियर है, हमें हमारे पास एक लेवल तो है कि हाँ यार मार्केट इस लेवल पर जाएगा, अगर यहाँ से मार्केट स्टार्ट करता है तो इस लेवल तक जाएगा, एक विजन तो मिलता है हमें कि हाँ हमें डेटा बता रहा है। हम मार्केट में ट्रेड कैसे ले रहे हैं कि हाँ मुझे लग रहा है कि ऐसे जाएगा, लगने के बेस के ऊपर कभी ट्रेड नहीं लेते हम। हम अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो वो डेटा के बेस पे लेते हैं, उससे होता ये है कि कुछ तो ऐसी चीज है जो हमें प्रूफ करे। वो डेटा कब बनता है, जब एक्चुअल में वो मार्केट के अंदर वो सारी चीज़ें होती है। ये डेटा बनता ही तब है जब प्रॉपर अमाउंट की वॉल्यूम के अंदर ट्रेडिंग होती है, प्रॉपर अमाउंट प्राइस स्पेंड करती है, फिर उसके बाद ये लेवल्स बनते हैं, और ये लेवल बहुत ज़्यादा काम के रहते हैं। जैसे अभी मतलब आप लोग लोकेश जी के स्क्रीन शॉट देखते ही हैं, ऐसे कई लोग भी हैं, सो सब यही चीज़ यूज़ करते हैं, सब मार्केट प्रोफाइल यूज़ करते हैं एंड मार्केट प्रोफाइल से अच्छा खासा रिटर्न बनाते हैं। लोकेश जी तो बना ही रहे हैं, ये तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम के अंदर अपनी जॉब वॉब भी छोड़ देंगे, क्यों लोकेश जी प्लान है ना आगे। सो अपन यहाँ पे एंड आगे एक बार हो सकता है कि लोकेश जी अगर किसी को डाउट रहता है कि कैसे करा जाता है क्या करा जाता है, तो उसके लिए विकास सर खुद हैंड होल्डिंग करके भी बताएंगे, जैसे
बहुत लोगों को बताया है कि हैंड होल्डिंग में कई होता है, कई लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, वो हैंड होल्डिंग भी होगी। और वो लाइव ट्रेड में इसीलिए आते हैं कि वो क्या सोच के ट्रेड ले रहे हैं, बाकी लोग क्या सोच के ट्रेड लेते हैं, वो आप लोगों को पता लगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन इस मार्केट प्रोफाइल के सेटिंग्स पे, कि आप लोगों को सेटिंग्स क्या रखनी है, देखना क्या है। फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इनसाइट्स दे देता हूँ एंट्री एग्जिट के, बाकी कंफर्म आपको विकास सर ही बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेटिंग्स वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अभी आप लोगों को मेरी ये मार्केट प्रोफाइल दिख रही है, राइट? थोड़ा मतलब दिखने में क्लियर है, मुझे इजिली दिख पा रहा है लेवल क्या है, ये क्या है। बट आप लोग जब इसको लगाओगे तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रीसेट कर देता हूँ, जिससे ये आएगा आपके, जैसे आप मार्केट प्रोफाइल को लगाएंगे ऐसा दिखेगा आपको अपना चार्ट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है ना इसको देख पाने में, कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, वो मैं आप लोगों की अभी यहाँ पे सेट करवा देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में देख पाएंगे कि हाँ हमें कैसे अच्छे से ये देख पाएंगे चीज़ें। जैसे अभी मैंने लास्ट में मेरे एंड पे दिखा रखी थी वो कैसे थी, वैसे आप लोग भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले सेटिंग्स पे अपन आते हैं। बैकग्राउंड की सेटिंग है नॉर्मल, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है ये बैकग्राउंड है, ये हटा देते हैं। मैं जनरली ऑफ करता हूँ जिससे मुझे इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो मैंने पहले सबसे पहले बैकग्राउंड को ऑफ कर दिया। यहाँ पे आप लोगों के अकॉर्डिंग ये आप कर सकते हो, जैसे विकास सर जनरली इसको एक कलर में रखते हैं, यूनि कलर में, और कुछ लोग ड्यू ड्यू कलर में भी रखते हैं, कि हमें हाईज पता लगते रहें, लो पता लगते रहें कि क्या है। और ये एबीसीडी क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एबीसीडी क्या है, ये यहाँ पे ए आ रहा है, जी आ रहा है, के आ रहा है, वो मैं बताऊंगा। बट अभी हम लोग इसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आएंगे, कि जहाँ से हम लोगों को इजिली दिख पाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। अब ये फॉन्ट साइज है, इसके अंदर आपको जाना नहीं है, फॉन्ट साइज का यही है, कुछ नहीं है। अगर आप इसके फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दोगे ये इंक्रीज हो जाएंगे, सो बेसिक 12 रहने दीजिए, वो डिफॉल्ट रहती है फॉन्ट साइज, इन लेटर्स की साइज है वो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैक्सिमम विड्थ में। विड्थ मतलब कि ये जो आपको लेटर्स दिख रहे हैं ये कितने एरिया में आनी चाहिए, सो आप जनरली इसको कम कर दीजिए तो ये एकदम कम दिखेंगे आपको। ये देखो, तो मैंने यहाँ तक इसको स्क्वीज कर दिया, जितने भी लेटर्स थे यहाँ तक 10 पे। अगर मैं इसको 80 करता हूँ तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं यहाँ तक। सो ये सेटिंग के अंदर आप जनरली अगर कम रखेंगे तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद हम लोग वैल्यू एरिया पे आ जाते हैं। वैल्यू एरिया मतलब ये जो आपका एरिया बना है लेवल्स का, अगर आप 70% भी रखते हैं कोई इशू नहीं है, 70% भी वैल्यू एरिया आपको यहाँ पे शो हो जाता है। लेकिन जब हम मार्केट प्रोफाइल टिक यूज करते हैं तो आप इसको 68% कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से 68% मार्केट प्रोफाइल का एक्चुअल लेवल आता है, तो अगर आप 68% से लेवल देखेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेट आएंगे वो। 70% ऐसा नहीं है एक्यूरेट नहीं है, वो भी एक्यूरेट है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि 10-20 पॉइंट्स का डेविएशन रहता है, वो डेविएशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो 10-20 की जगह पे 5-15 पॉइंट्स का डेविएशन रहेगा। उसके बाद मार्केट प्रोफाइल पीओसी, प्रीवियस पीओसी, ये पीओसी लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रीवियस पीओसी। पीओसी की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल मतलब जैसे ये एरिया आपको ये बताता है ना कि 70% मार्केट ने कहाँ टाइम स्पेंड किया, वैसे ये जो रेड लाइन आ रही है ना, ये रेड लाइन ये बताती है कि इस 70% के अंदर से भी इस लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। मतलब अगर ऐसा बोला जाता है ना, किसी भी चीज का कोई वाजिब दाम क्या है यार, कि मुझे ना तो ज्यादा पैसे देने हैं उस चीज के, ना मुझे उस चीज के कम पैसे देने हैं, मुझे एक फेयर ट्रेड करना है, कि हाँ अगर मैं निफ्टी ले रहा हूँ तो मुझे एक ऐसी प्राइस चाहिए जो आज के दिन की बेस्ट प्राइस हो, मतलब मैं ना तो तो ज्यादा दिया हूँ ना मैं कम दिया हूँ। सो उस बेस्ट प्राइस का लेवल होता है ये पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे जितने भी अगर, और आप खुद भी यहाँ पे देख के बता पाएंगे कि ये जो प्राइस लेवल है इसके ऊपर देखो 70% ट्रेडिंग हुई है, इसी इसी प्राइस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पे ट्रेड करे गए हैं। दैट मीन्स ये जो लेवल है ये एक क्रूशियल लेवल है, 17469 इस डे का। ठीक है, तो ये चीज भी रहती है कि ये पीओसी क्या होता है, ये क्या होता है। पीओसी ये होता है कि उस डे का सबसे बेस्ट प्राइस जिसपे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, इसको बोला जाता है पीओसी।
ये प्रीवियस पीओसी होता है। प्रीवियस पीओसी मतलब जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि प्रीवियस डे का पीओसी मतलब ये लेवल था 17524। ये लेट से कि अगर हम लोग यहाँ का देख रहे हैं तो आज का एक तरीके से 17470 हो गया, यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो 17617 हो गया। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं अलग 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 अलग। इनिशियल बैलेंस जैसे मैं इसको हाइड करूंगा आप लोगों को दिख जाएगा कि एक लाइन आपको दिख रही है स्टार्टिंग में, जैसे ही डे स्टार्ट होता है एक लाइन आ रही है, ये देखना आप लोग, ये आती है। इसको बोला जाता है इनिशियल बैलेंस, मतलब मार्केट फर्स्ट आवर्स के अंदर जो सेंटिमेंट बनाता है उसके बेस के ऊपर एक इनिशियल बैलेंस डिफाइन होता है कि मार्केट की एक ये रेंज बना ली है मार्केट ने इनिशियल आवर्स में। ठीक है, मार्केट प्रोफाइल क्या होती है, पहले मार्केट प्रोफाइल को हम लोग स्टेबलाइज होने देते हैं, और मार्केट प्रोफाइल के ये जो लेवल्स आ रखे हैं ना यहाँ पे, ये वाले लेवल्स, इनको आने में एटलीस्ट इनको मतलब स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। नो डाउट जैसे ये मार्केट स्टार्ट होगा ना, मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर आपको कुछ लेवल्स दिखाएगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे। आपको एटलीस्ट एंड एटलीस्ट 30 मिनट्स तो देने ही देने हैं मार्केट प्रोफाइल को स्टेबल होने में, उसके बाद में ये जो लेवल्स आएंगे ना, इट मेक सेंस कि हाँ यार ये जो लेवल्स आए हैं ये कुछ हद तक बहुत सही है कि हाँ मार्केट का ये एक हाई लेवल है, ये एक लो लेवल है। सो इनिशियल बैलेंस फर्स्ट आर का आपको बताता है कि क्या रेंज है, एंड उस आर के बाद जो लेवल्स आते हैं वो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं, और उन लेवल्स को हम ये हाई लेवल हो गया, ये लो लेवल हो गया, इनको जनरली वैल्यू एरिया हाई इस लेवल को बोला जाता है, और इस लेवल को वैल्यू एरिया लो बोला जाता है, और ये जो ग्रे कलर आपको दिख रहा है ना ये पूरा, इसको बोला जाता है वैल्यू एरिया, मतलब वैल्यू कहाँ पे है आज। अब वैल्यू क्या होती है, किसी भी चीज की वैल्यू के पैसे होते हैं, राइट। आज निफ्टी अभी 25,000 चला जाए तो सबको पता है यार ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये इंडेक्स अपनी वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, तो सब लोग शॉर्ट लगाएंगे वहां पे और शॉर्ट मारेंगे क्योंकि वो उसकी एक्चुअल वैल्यू ही नहीं है। हाँ आज उसकी वैल्यू 25,000 नहीं है, लेकिन आने वाले साल के अंदर हो सकता है निफ्टी की वैल्यू 25,000 हो जाए, तब अगर वहां पे कोई भी शॉर्ट मारेगा तो वो बेवकूफ है, क्योंकि उस चीज की वैल्यू ही वही है। ओवर द टाइम हर एक चीज की वैल्यू बनती जाती है। आज लेम्बोर्गिनी की गाड़ी आती है या और भी कई बड़े बड़े ब्रांड्स की गाड़ी आती है, उनकी रेट हाई क्यों रहती है, क्योंकि उन्होंने वैल्यू बनाई है, गेन करी है अपनी वैल्यू आज, इसलिए उनको ब्रांड वैल्यू मिलती है क्योंकि उनकी वैल्यू उन्होंने क्रिएट करी है ओवर द ईयर्स। सेम ऐसे ही ये वही सेम कॉन्सेप्ट है, मार्केट प्रोफाइल आपको पूरा बताता है कि एक ऑक्शन प्रोसेस जो बिक्री का पूरा काम होता है वो कैसे चलता है, पूरा ऑक्शन प्रोसेस आपको मार्केट प्रोफाइल से पता लगता है कि कैसे किस जगह पे वैल्यू है एक्चुअल, किस जगह पे हाई है, किस जगह पे लो है, मार्केट किधर जा रहा है, मार्केट किधर आ सकता है। ये प्रिडिक्ट करना कि मार्केट किधर आ सकता है बहुत बड़ी बात होती है गाइज। मतलब अगर मुझे इतना पहले जब मैंने मार्केट प्रोफाइल नहीं सीखी थी, मुझे अगर इतना ही पता लग जाता है ना कि हाँ डायरेक्शन किधर की है तो भी बहुत मेरे लिए तो बहुत सफिशियंट होता था, लेकिन मार्केट प्रोफाइल से तो मुझे लेवल्स तक पता लगने लगते हैं कि हाँ यार इस लेवल तक मैं एम कर सकता हूँ या इस लेवल तक मैं एम कर सकता हूँ। और क्योंकि हमें जैसे ये पता है कि इनके अंदर 50-20 पॉइंट्स का डेविएशन है तो वो दिख रहा है, कभी कभी हाई ब्रेक होता है, लेकिन वैल्यू अगर नहीं आ रही है तो वो वापस अपनी वैल्यू पे आता है, क्योंकि सेलर्स को पता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उन सबको पता है कि आज की वैल्यू क्या है। ये जो रेड लाइन आ रही है ना, ये वैल्यू एरिया है जिसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोला जाता है कि पीओसी वाजिब दाम बेस्ट प्राइस ये है। आज अगर निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सेलर्स को दिखेगा ना कि यार ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे आज की, ये यहाँ कैसे ट्रेड कर रहा है, वो लेके आएंगे इसको यहाँ पे, वो यहाँ पे शॉर्ट्स मारना चालू करेंगे। सेम ऐसे ही अगर नीचे है, ओवर वैल्यूड है, तो बायर्स को पता है यार हमें यहाँ पे खरीदना चाहिए, इसकी पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे है, मतलब इतनी तो वैल्यू है इस चीज की, सो वो यहाँ से बाय करना स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है और यही ऑक्शन प्रोसेस है। ऑक्शन में क्या होता है, सब लोग बिड लगाते हैं, कभी कोई चीज 20 रुपए की होती है वो 2,000 रुपए में बिक जाती है, आप लोगों ने देखा होगा राइट। जो मतलब अगर अगर अपन बात करें पेंटिंग्स की, कई ऐसी ऐसी बेकार पेंटिंग्स होती है लेकिन वो करोड़ों में बिकती है, क्योंकि या तो उनकी वैल्यू वैसी हो जाती है या फिर वो ओवर वैल्यूड हो जाती है या अंडर वैल्यूड हो जाती है। वो प्रोसेस ऑक्शन का प्रोसेस है कि ऑक्शन प्रोसेस कैसे चल रहा है। अब ऑक्शन क्या होता है, लेन देन का व्यापार, बस कि मैं कहाँ पे बिड लगा रहा हूँ, कोई कहाँ पे बेच रहा है, कौन कहाँ पे सेल कर रहा है, कि मैं कहाँ ले रहा हूँ वो कहाँ बेच रहा है, क्या वो प्राइस हम किसी ऐसी प्राइस पे हैं कि हाँ यार ये ऐसी प्राइस है जिसके ऊपर वो भी बेचने को तैयार हो और मैं भी लेने को तैयार हूँ, क्योंकि
ऑक्शन की थ्योरी यही है कि अगर कोई बेच रहा है तो उस प्राइस पे किसी का लेने वाला भी खड़ा होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होगा। मैं 20 रुपए पे लेने के लिए बैठा हूँ, कोई 30 रुपए पे बेचने के लिए बैठा है, तो वो ट्रेड नहीं होगा। सो वो ऑक्शन प्रोसेस है मार्केट प्रोफाइल, आपको पूरा ऑक्शन प्रोसेस। अब इतना आप मार्केट आवर्स के अंदर इतना थोड़ी दिमाग लगाएंगे कहाँ बिड जा रही है कहाँ क्या जा रहा है, इतना टाइम किसके पास है। इसलिए मार्केट प्रोफाइल को बनाया गया कि पूरा ऑक्शन प्रोसेस की थ्योरी को ये समराइज करके आपको लेवल्स दे देता है, और उतने से ही अपन को मतलब है। मुझे नहीं पता करना कितने ये यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं, वो मैं तब देखूंगा जब मैं डीप में जाऊंगा। कि कभी कभी क्या होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो उसके लिए हम लोग डेल्टाज और वो सब चीजें देखते हैं। वो सब आपको विकास सर बताएंगे कि वो सब चीजें क्या होती है, कैसे बचा जाए, इवेड करा जाए, क्योंकि डेटा तो सबके सामने है। एक बेस्ट चीज ये है आज के डिजिटल एरा की कि जो डेटा हमें दिख रहा है, जो टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वही टूल्स हेज फंड्स और स्मार्ट मनी सब यही यूज करते हैं। उनके पास कोई ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई उनको आके बता के जा रहा है रात को कि कल ऐसा होगा परसों ऐसा होगा। वो भी यही डेटा पढ़ते हैं, हम लोग भी यही डेटा पढ़ते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये लेवल भी मिल गया ना अगर, तो हम लोग 90% का जो स्टॉक मार्केट के 100% लोगों के अंदर से, अपन 90% से तो वैसे ही अलग हो गए, तो अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई ना। यहाँ पे मेन चीज वो है। तो हमें एज अ ऑप्शन बायर या एज अ रिटेल ट्रेडर कैसे हमें अपने आप को बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट करना है, जिससे हम कुछ पैसा अपने घर पे लेके जा सकें। मार्केट प्रोफाइल बहुत जबरदस्त चीज है गाइस। धीरे धीरे आप लोग भी इसको जब देख पाएंगे, मतलब जैसे जैसे साथ में ट्रेड करेंगे पता लगेगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कितने। और जो लोग कर रहे हैं, जिनके स्क्रीनशॉट्स आते हैं, वो सब भी यही करते हैं, वो कुछ और डिफरेंट नहीं करते हैं। बस उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी इसके साथ लगाया, इसलिए आज वो कॉन्फिडेंट है और जबरदस्त क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। आ जाते हैं अपन नेक्स्ट वाले पे, मार्केट प्रोफाइल के जो अपने वॉल्यूम्स के साथ अगर इसको कंबाइन कर दे, तो जैसे वॉल्यूम के साथ आप लोगों ने देखा होगा, ये आपको हिस्टोग्राम दिख रहे हैं यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ये सारे ये वॉल्यूम्स हैं। ये हमें ये बताते हैं कि इस टाइम पे इस जोन में सबसे ज्यादा, जैसे ये देखो आप पीओसी देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा ट्रेड यहाँ पे हुआ, और ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब ये सबसे ज्यादा हिस्टोग्राम, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, मतलब ये आपको अगर ये यहाँ से लेके मैं अगर बताऊं तो इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। ये जो लेवल आया है ये मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आया है, और ये वाला जो लेवल है 17622 का, ये वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लेवल है, क्योंकि इस जगह पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और मार्केट प्रोफाइल ये बताता है इस जगह पे सबसे ज्यादा टाइम प्राइस ने स्पेंड किया है। सो ये तो मार्केट प्रोफाइल का लेवल हो गया, ये अपना वॉल्यूम का लेवल हो गया। अब वॉल्यूम प्रोफाइल क्या बताती है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि हमें ये पता लगेगा कि कितना वॉल्यूम कितने टाइम में हुआ है। और मार्केट प्रोफाइल क्या बताती है कि कौन सी प्राइस, मतलब किस प्राइस पे कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने। ओके, वॉल्यूम प्रोफाइल आप लोग इसके साथ यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। मैं भी यूज करता हूँ, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को ये देखना होता है कि कहीं हम लोग कहीं रेंज बाउंड मार्केट में तो नहीं जा रहे। जैसे ये रेंज बाउंड नहीं है, कैसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पे ट्रेड हो चुका है वॉल्यूम का, तो मतलब हम लोग एक जोन से बाहर आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे चांसेस हैं मूव जाने के। अब मुझे ये नहीं पता वो अप साइड में मूव आएगा या लोअर साइड में मूव आएगा, बट मुझे पता है कि यहाँ पे मार्केट एक वॉल्यूम पे जाएगा। और एक चीज मैं आप लोगों को और दिखाना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप इसको स्क्वीज या इंक्रीज करते जाएंगे, तो आपको ये दिखता जाएगा कि ये देखो आप यहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम दिखती जा रही है कि हाँ मेन सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ ट्रेड हुए। देखो ये अपने आप को सेट करता है उसके अकॉर्डिंग। और एक चीज और आप लोग देखेंगे, ये इस दिन की पीओसी थी, ये इस डे का पीओसी है। एक आपको ये लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये जो पूरी एकदम एंड टू एंड तक चल रही है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। अब ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है, ये एक मेजर पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। मेजर मतलब कि इतने सारे सेशंस जो मैंने अभी यहाँ पे मेरे स्क्रीन में इंक्लूड कर रखे ना, ये कितने दिन हो गए, आई थिंक 10 29th of August से अगर अपन देखें तो 17th of October तक एक पीओसी ये है। अब ये पीओसी के बेस पे आपको ट्रेड नहीं लेना, बस ये हमें ये पता लग रहा है कि ये क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल का पीओसी आ रहा है 29th of August से लेके आई थिंक 22nd of October तक का पीओसी ये आ रहा है। और ऐसे आपको एक 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 सिंगल सिंगल डेज के पीओसी दिख रहे हैं। सो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट लेवल भी कैसे,
अभी अपन ने ये देखा था राइट, इस लेवल पे, तो आप वो देखो कि अभी यहाँ पे मैंने वो लेवल दिखाया था आपको, ये देखो ये जो मूव नीचे गया फिर ये मूव वापस ऊपर आया। तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी एक चीज बताई थी कि कोई एक वाजिब दाम होता है, ऊपर गया तो सेलर्स को पता लग गया कि यार ये बहुत ऊपर चला गया है, इतनी इसकी वैल्यू नहीं है, वहां से उन्होंने शॉर्ट मारे। ऐसे ही या इस लेवल के आसपास ही वो पीओसी था, वापस नीचे चला गया, यहाँ पे बायर्स को मौका मिल गया कि यार इतनी भी कम वैल्यू नहीं है। अब वो देखो, देखो किस जगह पे आ रहा है वो, यही है वो पीओसी जो इतने दिन का पुराना चलता आ रहा है, जुलाई तक का। सो मार्केट प्रोफाइल्स आपको ये लेवल तक भी दिखा देती है कि हाँ कहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मतलब आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पे अगर ये हो रहा है ना तो ये क्यों हो रहा है, मतलब मुझे ये आइडिया पता लगना चाहिए कि किस डेटा की वजह से ये हुआ और ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब हम लोग वापस एक बार सेटिंग्स पर आ जाते हैं और इसको पहले कंप्लीट करते हैं। ओके अब हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल्स पे आ गए वॉल्यूम की। कभी अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आप लोगों को जैसे यहाँ पे हम सबको ये पता लग रहा है कि यार ये ऊपर जा रहा है, अब कभी कभी ये ब्रेक करके ऊपर भी चला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है इतना कि नहीं यार वॉल्यूम ही नहीं है, तो ये जाएगा कैसे ऊपर, लोग बाग यहाँ पे ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। तो जब यहाँ पे तैयार ही नहीं है कोई ट्रेड करने को, तो ऊपर इसका विजन बन रहा था जाने का, तो ये नीचे आएगा, यहाँ पे लोग बाग तैयार है ट्रेड करने को इस जगह पे, फिर वो वापस ऊपर गए, फिर यहाँ पे देख रहे हो आप विक्स बनने लग गई दोबारा, यहाँ पे वॉल्यूम कम होने लग गया, तो मतलब वो चाहते ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड करें, वो ट्रेड यहाँ पे इस जोन में करना चाह रहे हैं। सेम ऐसे इस जोन पे देखो, यहाँ से इसके नीचे नहीं गया मार्केट, या यहाँ पे एक बार में ट्रेड किया और ऊपर आ गया, फिर इस जगह पे देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे ही सबसे ज्यादा, मतलब लोग बाग यहाँ पे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए इसको वैल्यू एरिया बोलते हैं कि यहाँ पे वैल्यू है मेन निफ्टी की आज की, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। अब जनरली आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, नहीं चाहो तो ना भी यूज करो, मतलब मैं जनरली यूज करता हूँ कि, और विकास सर भी यूज करते हैं कि वॉल्यूम से हमें एक आइडिया लग जाता है कि क्या हम सोच रहे हैं ऊपर जाएगा तो हमें वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, मतलब देखो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, मार्केट प्रोफाइल ये बोल रहा है कि ये ऊपर गया फिर ये वापस नीचे आएगा, पर हमें दिखना भी तो चाहिए ना, लोग बाग ट्रेड भी तो करने चाहिए, वरना कौन, ऑक्शन थ्योरी यही तो बोलते हैं कि अगर बायर्स वहां पे खड़े हैं और सेलर्स भी उसी दाम पे उनको बेचने के लिए तैयार है तब ट्रेड्स होंगी, तो ट्रेड्स भी तो होना जरूरी है, मार्केट प्रोफाइल ये लेवल दिखा रही है यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन हो सकता है यहाँ पे इतना वॉल्यूम है कि लोग बाग यहीं पे ट्रेड करने लग जाए। उसके बाद हम लोग कंपोजिट प्रोफाइल्स के ऊपर भी आ जाते हैं। सो कंपोजिट प्रोफाइल ये होती है कि यहाँ पे देखेंगे जैसे आप अभी ये जो पूरी प्रोफाइल आ रखी है ये कंपोजिट प्रोफाइल है, मतलब सबका एक्यूमुलेट होके, अभी जितने भी आपको ये स्क्रीन में दिख रहे हैं मेरे, इन सब का एक्यूमुलेट होके, मतलब इन सबको जोड़ के एक ये प्रोफाइल बनाई गई वॉल्यूम की, इसको कंपोजिट प्रोफाइल बोलते हैं। अब ये अगर कंपोजिट प्रोफाइल है तो एक सेशन की भी प्रोफाइल होगी, सेशन मतलब उस दिन की, सो ये उस दिन की वॉल्यूम प्रोफाइल आ गई, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिएगा यहाँ पे कम वॉल्यूम था फिर ऊपर ऊपर जैसे, क्योंकि इसी जगह पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है इसी जगह पे, तो वॉल्यूम भी यहीं रहेगा। सो मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल में कंफ्यूज नहीं होना अपन को, एक ही चीज है, एक बोलती है कि प्राइस ने कहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, एक बोलती है कितने टाइम में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, वो एक प्राइस के ऊपर एक ने मास्टरी करके हमें लेवल्स दिए, एक हमें वॉल्यूम के ऊपर मास्टरी करके हमें लेवल्स बताती है, दोनों सेम ही चीजें हैं, इतना डिफरेंस नहीं आता, जैसे आप ये देखेंगे ये पीओसी यहाँ पे है, ये इनिशियल पीओसी यहाँ पे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो सेशन एंड कंपोजिट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अभी अपना मार्केट प्रोफाइल का टॉपिक है इसलिए मैं एक बार इनको हाइड कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे वही नॉर्मल से हैं कि स्ट्रोक विड्थ आपको क्या रखनी है, वॉल्यूम प्रोफाइल का पीओसी कहाँ है, वो सब चीजें, जैसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल मैंने मार्केट प्रोफाइल का बताया वैसे ही वॉल्यूम प्रोफाइल का भी पीओसी होता है, आप उसके कलर वालर मतलब चेंज कर सकते हैं, मैं जनरली सेम ही रखता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो लेवल्स मायने रखते हैं कि हाँ मुझे लेवल दिखने चाहिए कि हाँ ये लेवल है अब, ये लेवल है अब, या जैसे यहाँ से वो अपने वाजिब दाम पे आया
फिर वहां से वापस ट्रेड हुआ, फिर वापस अपने वाजिब दाम पे यहाँ से गया, फिर वापस ट्रेड हुआ। सो ये लेवल्स दिखते रहते हैं तो हमें एक आइडिया रहता है कि हाँ यार ये कहाँ जा सकता है, अगर इस जोन को लेफ्ट कर रहा है कहाँ पे जाएगा, इस जोन को लेफ्ट कर रहा है कहाँ पे जाएगा, इस जोन से रिजेक्ट हो रहा है कहाँ पे जाएगा, इससे मुझे एक आइडिया मिलता रहता है और ये आइडिया मार्केट प्रोफाइल ही बताती है। अब कई लोग क्या करते हैं मार्केट प्रोफाइल के अंदर, ये हम लोगों ने एक हमारा खुद का ये तरीका है कि हम लोग मार्केट प्रोफाइल को इस तरीके से यूज करते हैं प्राइस से। बट कभी कभी लोग क्या करते हैं मार्केट प्रोफाइल के अंदर, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कैंडल स्टिक को भी यूज नहीं करते हैं वो। अगर अपन मार्केट प्रोफाइल की एक्चुअल थ्योरी में चलें तो वो मार्केट प्रोफाइल की एक्चुअल थ्योरी ये बताती है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो मैं अभी आपको ABCD बता रहा था ना उसके बेस के ऊपर ट्रेड करते हैं। सो अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आप लोगों को ये ABCD दिख रहा है, इसके बेस के ऊपर ट्रेड होता है। और मार्केट प्रोफाइल का एक रूल अपन को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि इसको 30 मिनट्स पे ही यूज करना है, लोअर लेवल पे नहीं यूज करना है, लोअर टाइम फ्रेम्स पे, क्योंकि इतना टाइम इसको चाहिए होता है। और मिस्टर स्नाइडर जिन्होंने पूरा मार्केट प्रोफाइल का थ्योरी कंपोज किया था, बताया था, उन्होंने खुद में भी यही बोला हुआ है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स चाहिए मार्केट प्रोफाइल को, तब वो एक्चुअल आपको लेवल्स दिखाएंगी एक्यूरेट, एक्चुअल में मतलब मोस्ट एक्यूरेट लेवल्स। एंड ये जो ए आ रखा है, ये बी आ रखा है, ये है क्या, आपका टाइम फ्रेम है 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स के अंदर इनको पीरियड्स बोला जाता है, ये ए पीरियड है, ये बी पीरियड, ये सी डी ई लाइकवाइज एम तक है। सो पहले 30 मिनट के अंदर ये ए पीरियड ट्रेड हुआ है यहाँ तक, फिर बी पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड हुआ है, फिर सी पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड हुआ है। अब इसके अंदर अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं, वो जैसे आप लोग मतलब जैसे विकास सर बताएंगे आपको वो भी बता देंगे, या फिर अगर मेरा कोई आगे उस पर सेशन होता है तो इसके अंदर अपन और थोड़ा सा डीप में जाएंगे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये एक ए पीरियड है, ये बी पीरियड है, फिर सी पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ, बी के जस्ट टॉप से, जहाँ पे बी खत्म हो रहा है वहीं से सी स्टार्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था ना, यहाँ पे ए यहाँ यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब हाई ए का यहाँ पे है और बी ने यहाँ से मोमेंटम पिक करना स्टार्ट किया और सी ने तो यहीं से पिक कर लिया, तो मुझे ये दिख रहा है ना कि यार आज तो मोमेंटम भारी है, मतलब कि बी यहाँ पे था, बी यहाँ तक ट्रेड किया, सी यहाँ से ऊपर जा रहा है, सीधा ट्रेड कर रहा है, तो मुझे एक इंट्यूशन मिला कि यार आज मतलब मार्केट के अंदर मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि बाकी के अगर आप देखेंगे, देखो पुराने आप लोगों को देखने पड़ेंगे कि ए पीरियड है, ये बी पीरियड है, ये सी पीरियड है, ये तो यहीं पे यहीं रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो मुझे इतना यहाँ से कुछ जस्ट मिल नहीं पा रहा कि यार मोमेंटम है या नहीं है, पता नहीं चला। और जब मोमेंटम आया तो आप देखो कि लास्ट आवर्स में आया, फर्स्ट आवर्स में नहीं आया, ये ए बी सी डी ई एफ सब पूरा पूरा यहीं पे, आधे आधे घंटे का, ये 2-2.5 घंटे इन्होंने यहीं स्पेंड किए, फिर उसके बाद मोमेंटम आया। सो एक ये भी एक विजन है, मतलब मार्केट प्रोफाइल का तो विजन यही है, बस हमने इसको अपने अकॉर्डिंग है ना कैंडल स्टिक के साथ इसको कंबाइन कर लिया और अब हम लोग इसको देखते हैं कि यार, क्योंकि मार्केट प्रोफाइल के ABCD में जाएंगे और ज्यादा डीप हो जाएगा, तो हम इसको कैसे यूज करें कि हमें कैंडल स्टिक समझ में आती है और हमें लेवल्स मिल रहे हैं, ये लेवल मिल गया, ये लेवल मिल गया, तो हमें लेवल दिख गया कि यार अगर यहाँ पे मार्केट गया है और यहाँ तक जाएगा, टच करके आएगा, तो मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा, या इससे 10 पॉइंट नीचे या 20 पॉइंट नीचे बुक कर लूंगा, या इससे 10 पॉइंट ऊपर या इससे 10-20 पॉइंट नीचे मैं बुक कर लूंगा। बट मुझे ये तो पता है ना कि यार अगर यहाँ पे अगर मानो कि मैं फंस गया हूँ तो मुझे पता है ये यहाँ जाएगा, या फिर जनरली जो एंट्री एग्जिट होती है ना वो मैं तो ऐसे ही प्लान करता हूँ, ये हाई पे जाता है मैं शॉर्ट मार देता हूँ, जैसे अपने बेस्ट प्राइस पे आता है मैं वापस एक बार के लिए निकल जाता हूँ, या फिर मैं अपने जो भी मेरा ट्रेड है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले आता हूँ, या फिर अगर मैं लोअर लेवल्स पे हूँ तो मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ और इस जगह का मैं फर्स्ट टारगेट ले लेता हूँ, क्योंकि ये तो इसकी वाजिब दाम है, ये बेस्ट प्राइस है, अपने बेस्ट प्राइस पे तो आना ही चाहिए ना वो, कि भाई लोग बाग यहाँ पे नहीं देंगे पैसे लेकिन यहाँ पे तो देंगे, कि यहाँ पे तो उनको पता है वैल्यू भी यही है और प्राइस भी यही है। सो अलग अलग तरीके हैं मार्केट प्रोफाइल को भी देखने के, तो ABCD का भी तरीका ये है। अब इसके अंदर देखो एक चीज और आपको बताता हूँ मैं, अलग अलग तरीके के प्रोफाइल्स बनती हैं, प्रोफाइल मतलब जैसे मार्केट प्रोफाइल है तो ये आप लोगों को दिख रहा है, ये कौन सा लेटर दिख रहा है आपको, पी, पी फॉर पैरेट, पी प्रोफाइल दिख रही है ये यहाँ पे, जी यस जी जी सर, पी प्रोफाइल ठीक है। सो इसके बेस के ऊपर ये रहता है कि पी प्रोफाइल का मतलब ये होता है, देखो वैसे भी समझ में आ रहा है देख के कि हाँ बायर्स अपने उसमें है जोन में, कि बायर्स यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव है, ऐसे ही बी प्रोफाइल बनती है, बी फॉर बैट,
या फिर बी फॉर बॉय, तो वो उसके अंदर ये समझ में आता है कि सेलर्स आज अग्रेसिव है, तो हमें ये चीज पता लग जाती है कि यार आज बायर स्ट्रांग में है, मतलब मुझे बाइंग साइड वाले में जाना है ट्रेड में, और आज अगर सेलर अग्रेसिव है तो मुझे सेलर्स में जाना है। अब ये क्या होता है कि ये बनती रहती है, पूरा मार्केट बन जाता है तब तो बहुत आसान है बताना कि ये पी है ये बी है, बट ये आपको एक्सपीरियंस आएगा जब आप इनको एक्चुअली बनते हुए देखेंगे ना कि यार पी बनता कैसे है। मैं एक बार देखता हूँ मार्केट में कि पी बनता कैसे है लाइव मार्केट में, तो ये ए ट्रेड होगा, बी ट्रेड होगा, सी होगा, फिर आप ई या एफ तक समझ जाओगे कि यार यहाँ पे पी प्रोफाइल बनती लग रही है मुझे। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल तो इसने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया, अब ऊपर आ गया ये, अभी यहाँ पे ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे पता कि यार ये पी प्रोफाइल बन रही है, तो मतलब नीचे की तरफ नहीं जाएगी। कई ऑप्शन सेलर्स के लिए तो बहुत जबरदस्त चीज है ये कि उनको पता है कि यार पी प्रोफाइल लगभग लगभग बनने लग गई है पूरी, मुझे 1 घंटे का डीके अगर मिल जाए तो भी मेरे लिए बेस्ट है, मैं इसी जगह के कॉल जो यहाँ के मेरे पुट है उनको शॉर्ट कर दूंगा, क्यों मुझे पता है कि प्राइस इस जोन को छोड़ के यहाँ पे आ चुके और ये इसकी बेस्ट वैल्यू है इस जगह पर, तो ये इसी जगह के आसपास रहेगी, मैं नीचे के है ना पुट शॉर्ट कर दूंगा। वो सेलर्स के लिए है। अब बायर्स के लिए क्या होगा? बायर्स के लिए क्या होगा कि यार जैसे ये अपने लोअर लेवल के पास आए, जैसे एच पीरियड आ रहा है लोअर लेवल के पास है, हाँ यार बाय कर लेता हूँ, फर्स्ट टारगेट यहाँ का रख लूंगा, सेकेंड टारगेट इसका हाई रख लूंगा यहाँ का, और अगर आप देखेंगे आई, ये जो आई पीरियड है ये इसके हाई के ऊपर भी गया है, एम पीरियड तक भी यहाँ पे ट्रेड हुए हैं, और एम पीरियड लास्ट आवर्स वाले हैं। सो ये भी अलग अलग तरह की प्रोफाइल्स हैं, इनसे भी आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी, कौन सी प्रोफाइल बन रही है। जैसे ये नॉर्मल प्रोफाइल्स है, इनका कोई इतना सेंस नहीं है, ये एक अगेन यहाँ पे पी प्रोफाइल बनी, ये कोई कोई प्रोफाइल नहीं है। हाँ ये रेंज बाउंड प्रोफाइल की निशानी होती है पूरी, कि ये रेंज बाउंड है, तो इसका मतलब मार्केट पूरा रेंज में बंद गया, राइट? तो अगर मार्केट एक रेंज में आ गया है तो जब मार्केट इस रेंज से निकलेगा तब मुझे पता है कि यार मार्केट एक रेंज से निकला है तो मतलब मोमेंटम आने के चांसेस है, तो ये आपको वो भी हेल्प करती है कि कहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। अब जैसे ये पी प्रोफाइल बनी है यहाँ पे, उसके बाद देख रहे हो आप यहाँ पे एक रेंज दिख रही है आपको, ये रेंज ऐसी ऐसी तो नहीं है ना कोई, तो मतलब जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आ गया उसके बाद मार्केट रेंज में आया, फिर यहाँ पे भी अब यहाँ पे ये देख रहे हो आप कि यहाँ पे रेंज में था यार, यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है लेकिन दोबारा रेंज में रह गया, लेकिन जब ये दोनों दिन रेंज में रहने के बाद देखो क्या बढ़िया मोमेंटम आया। सो ये आप लोग जैसे जैसे इसको देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि यार अब जैसे यहाँ पे ये पी प्रोफाइल आपको देखने में लग रही है लेकिन एक्चुअली पी प्रोफाइल है नहीं। पी प्रोफाइल का रूल होता है, देखो ए पीरियड कहाँ पे है? नीचे की तरफ नहीं है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ए पीरियड कहाँ पे? यहाँ पे है ए पीरियड, तो ये पी प्रोफाइल नहीं है। पी प्रोफाइल का मतलब होता है कि ए पीरियड यहाँ से, बी पीरियड यहाँ से चालू और फिर बाद में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो, उसको बोला जाता है पी प्रोफाइल। ऐसे बी प्रोफाइल होती है, डी प्रोफाइल भी होती है ये, एंड बी प्रोफाइल भी होती है। बी प्रोफाइल मतलब कि इसको आप कंसिडर कर सकते हो कुछ कुछ बी प्रोफाइल, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस एक जोन में ट्रेड कर रही थी लेकिन बायर्स मान लो या लिमिट बायर्स मान लो, बायर्स भी नहीं लिमिट बायर्स मार्केट में एंटर हुए और उन्होंने उस दिन की जो वाजिब रेट थी उसको ही बदल दिया कि नहीं भाई ये नहीं है, ऊपर वाले जोन में लगे, तो आप देख रहे हो कितना बड़ा ये लेवल बन गया, तो उन्होंने इस यहाँ पे जम के ऑर्डर लगाए और प्राइस को एक नए जोन में शिफ्ट कर दिया। ये आप देख पा रहे हो, ये पहले एक ये जोन बन रहा था ना यहाँ पे, उसके बाद लिमिट बायर्स आए और इन्होंने एक नया जोन बना दिया कि नहीं भाई ये जो ट्रेड कर रहे हैं ये गलत है, वैल्यू यहाँ पे है, तो उन्होंने नया जोन क्रिएट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे दोबारा बी प्रोफाइल बन रही है, इसको भी डबल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, इसको डबल डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं, मतलब फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, जब भी प्राइस एक डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ के दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन एस्टेब्लिश कर लेती है, इसका मतलब इस जगह पे या तो लिमिट बायर है या लिमिट सेलर्स हैं जो इतना बड़ा मूव सेम डे के अंदर करा दे रहे हैं कि यहाँ का पीओसी इन्होंने बदल दिया, तो ये लेवल्स मार्क करने के हो जाते हैं कि हाँ यार ये यहाँ पे ध्यान रखना है मुझे कि जब प्राइस आए। अब देखो अगले दिन यहाँ पे कहीं पे आसपास देखते हैं, रुको ये देखो ए पीरियड मतलब मार्केट यहाँ पे गया, बी पीरियड सी पीरियड इस जगह पे जिस पहले वाले दिन जहाँ पे नीचे आया था, अगर यहाँ पे लिमिट सेलर्स आएंगे तो लिमिट बायर्स का भी तो आना बनता है ना कि यार अगर लिमिट सेलर्स आ रहे तो लिमिट बायर्स भी आएंगे, तो लिमिट बायर्स इसी पॉइंट से अग्रेसिव हुए कि
लिमिट सेलर्स ने पीओसी ब्रेक करके यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया, अगले दिन लिमिट बायर्स आ गए कि नहीं भाई ये नहीं है प्राइस, ये है प्राइस, ले गए ऊपर वापस। तो इन इन इनसे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या हो रहा है, मतलब मार्केट में चल क्या रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे पता करें। तो ये आप लोगों को देखने से आया है कि मार्केट प्रोफाइल को आप लोग देखो। और मेरा रिकमेंडेशन उपेंद्र जी, सॉरी सो मार्केट प्रोफाइल के जो लेवल्स हैं ये हम लोगों को देखने हैं। अब ये तो हो गया थियोरेटिकल पार्ट, अब अपन करते हैं सीधी सादी बात कि हाँ मुझे पैसा कैसे बनेगा, सिंपल सी बात। तो कुछ नहीं करना, इसकी सेटिंग्स आपको ये करनी है, इसको आप लोगों को कम कर लेना है। जिनको नो डाउट कई लोगों को पढ़ने का शौक होता है और समझने के रहता है कि हाँ यार ये कैसे चल रही चीज़ें, तो कुछ सेशन में मैंने यहाँ पे कवर किया है, बाकी अगर आपको और डीप में जाना है तो इसकी बुक्स भी हम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड है सबके साथ, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके इसको पढ़ सकते हैं कि ये एक्चुअली में एक प्रोसेस होता क्या है, चलते कैसे, लेवल कैसे निकल रहे हैं ये, तो आप लोग उनसे भी देख सकते हैं। बट अगर सिर्फ और सिर्फ मलाई खानी है चीज़ों से तो सिंपल सी बात ये है कि इसको कम कर लेना, ये लेवल्स आ गए। कैंडल स्टिक की मूवमेंट देखेंगे कि जैसे वैल्यू एरिया हाई, ये लो है अपना, लो के बाहर गया, फिर अपन को देखना है कि हाँ अंदर जा रहा है बाहर से, दैट मीन्स ये इसके वाजिब दाम है, यहाँ तक जाएगा, बुक कर लिया फर्स्ट। अगर और ऊपर जा रहा है जाने दो, फिर देखते हैं कि वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है तब तो इससे भी ऊपर जाएगा, वॉल्यूम नहीं है तो पता लग गया ना कि ये नीचे आएगा, और कहाँ तक आएगा, इस जगह तक आएगा। अब ऐसे यहाँ पे बाहर गया, अब आप लोग बोलेंगे कि बाहर गया सर ये वापस अंदर क्यों नहीं आया, अरे अंदर तो आ जाता लेकिन टाइम भी तो था, यहाँ पे टाइम ही खत्म हो गया। अब कोई चीज रुकी गई तो वो कैसे आएगी, मतलब मार्केट प्रोफाइल तो ये बोलती है घूम के आएगी, और ये देखो ट्राई भी कर रही है घूमने का यहाँ से, बट टाइम ही नहीं है तो जाएगी कहाँ से। सो वो भी ध्यान रखना है अपन को कि ट्रेड उठा रहे हैं अपन तो उतना टाइम है क्या, उतनी कैंडल्स बन जाएंगी अपनी, तो वो भी अपन को देखना है। तो मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जनरली एक दो हाइएस्ट तीन ट्रेड बनते हैं बस, एक लोअर लेवल से, एक हायर लेवल से, एक और अगर आपको चांस मिल रहा है तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का एक घंटा तो आप लोगों को इसको देना है स्टेबलाइज होने में, लेवल्स आने में, पीओसी बनने में, फिर आप समझेंगे कि हाँ ये कैसे चल रही है चीजें मार्केट प्रोफाइल की। एंड ठीक है, अब हम लोग एक बार Q&A स्टार्ट करते हैं, अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वन बाय वन करके स्टार्ट कर लेते हैं। सर ये पुअर हाई क्या होता है? पुअर हाई ये जो यहाँ पे ये जो लेवल है ना मार्केट प्रोफाइल का जो लेवल आया, इसको हम लोग वैल्यू एरिया हाई बोलते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ना ये कभी कभी ये लेवल और ये लेवल दोनों सेम ही होते हैं, तो इसको बोला जाता है पुअर हाई। पुअर हाई मतलब कि देखो मैं और क्लियर एक बार मुझे इस, एक सेकंड रुको मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, पुअर हाई का बताता हूँ। ये है पुअर हाई, पुअर हाई कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है पुअर हाई, ठीक है। अब पुअर हाई कैसे बना, ये देख रहे हो ये लेवल भी यही है और हाई भी यही है, ठीक है। अच्छा। यहाँ पे ये वाला, ठीक है, लेवल भी यही है, हाई भी है, और यहाँ अगर ये हाई है तो मतलब हाई को अपन क्या बोलते हैं कि हाई मतलब यार वहां तक बस मैक्सिमम गया था, फिर वहां से कुछ मोमेंटम आ गया, वो दोबारा नहीं जाएगा, उसको हाई बोल देते हैं कि यार ये हाई है। तभी तो जनरली अपन लोग ट्रेड लेते हैं कि अगर हाई टूट गया तो यार मोमेंटम आ गया कि बायर्स आ गए हैं, क्योंकि हाई जनरली नहीं टूटता इतनी आसानी से। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो आई पीरियड भी यहाँ ट्रेड हुआ, एल भी ट्रेड हुआ, जे भी ट्रेड हो गया, तो ये कौन सा हाई है जहाँ पे सबसे ज्यादा ही ट्रेडिंग हो रही है। हाई तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा ये देखो सिर्फ चार ये इतने ही बने, बस विक्स ही बनी खाली, ओके ये है एक अच्छा हाई, ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा लेकिन ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं इतने सारे, तो लोग बाग यहाँ पे ट्रेड करने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि हाँ यार ट्रेड करेंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि इतने लोग पहले यहाँ पे ट्रेड कर चुके, जबकि यहाँ पे एक बार वो घबराएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसी मार्केट गया तुरंत सेलिंग आई और वो उसको नीचे ले गए पूरा, ये तो सर इसका मतलब ये है के पीरियड और फिर एल। तो ये समझे कि सर पुअर हाई के ऊपर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए वहां पे शॉर्ट, ना ना बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं नहीं शॉर्ट करो, पुअर हाई अगर ब्रेक हो जाता है तब नहीं करना,
जैसे ये अब यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, ये के पीरियड है ना, ये ऊपर गया लेकिन यहाँ पे सेलर्स आ गए, नीचे आ गए, तो यहाँ पे आपको ये दिख गया कि यार यहाँ पे सेलर्स आ गए, पुअर हाई यहाँ तक ही तो था, यहाँ तक सॉरी हाई, पुअर हाई नहीं, हाई हाई यहाँ तक ही तो था, डे रेजिस्टेंस हो गया, हाँ डे रेजिस्टेंस हो गया। अब ये वाला पुअर हाई है, यहाँ पे देखो पहले एक बार भी जा चुका, फिर दोबारा चला गया, फिर तीसरी बार भी चला गया, तो ये पुअर हाई है, पुअर हाई मतलब ये ब्रेकेबल है, ये आराम से ब्रेक हो सकता है क्योंकि सर मेरे ख्याल में यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, एक बार वॉल्यूम देखेंगे ना तो पता चल जाएगा। हाँ वॉल्यूम से पता लग जाएगा सर, वॉल्यूम इसीलिए तो वॉल्यूम डालते हैं कि वॉल्यूम से अपन को पता चल जाएगी अपन जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ये देखो बट ये लास्ट आवर्स है ना, ये भी तो देखो आप लास्ट आवर्स के अंदर कितना वॉल्यूम आएगा, बट इस जगह के आसपास देख रहे हो आप, इस जगह के आसपास जहाँ पे ये ब्रेक होना हुआ है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम था, अच्छा वॉल्यूम है बाकी सबके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो, यहाँ पे वॉल्यूम था और लेकिन यहाँ पे लास्ट आवर्स के अंदर वैसे ही वॉल्यूम कम हो जाता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया इसलिए ये ब्रेक नहीं हुआ, बट अगले दिन ब्रेक हो गया अपने यहाँ पे, खुला ही मार्केट ऊपर, तो इसकी इसीलिए इसको पुअर हाई बोल दिया गया कि यहाँ पे ये हाई है, समझ में आ रहा है ये हाई है बट यहाँ पे ये पुअर हाई है, इतना स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है ये, रेजिस्टेंस इतना अच्छा नहीं है ये, और दो और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखो एक बार टेस्ट हो चुका, दूसरी बार टेस्ट हो चुका, तीसरी बार टेस्ट हो चुका, तो ये तो ब्रेकेबल है, प्राइस एक्शन भी तो है कि कोई चीज़ बार 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 टेस्ट हो रही है तो वो अपने आप ही वीक हो जाएगी, तो इनको चीज़ों को कंबाइन करके देखो आप लोग समझ जाएंगे। अब मार्केट प्रोफाइल का ही ऐसा नहीं मानना है कि मार्केट प्रोफाइल मिल गई तो मुझे पता नहीं कोई ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट प्रोफाइल के बस लेवल्स हैं, बाकी लोगों को जहाँ कुछ नहीं दिखता ना, बाकी लोग जहाँ पे 17,200 सोच रहे होंगे वहाँ पे आप 17,235 सोच के अपना टारगेट बुक कर लेंगे, या बाकी लोग जहाँ पे 17,300 या 50 सोच रहे होंगे वहाँ पे आप 17,303 पे सोचेंगे, या फिर यहाँ से 20 पॉइंट का डेविएशन मान लो, मैं जनरली डेविएशन मानता हूँ क्योंकि मैं टारगेट का वेट नहीं करता कि एकदम टच करके आए, नहीं मैं 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे बुक कर लूंगा यार, क्योंकि मुझे पता है यार ये एक्यूरेट नहीं है, पर हाँ इतना भी गलत नहीं है कि मैं यहाँ पे 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे बुक ना करूँ, मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा क्योंकि मेरा ट्रेड यहाँ से बनता था, यहाँ तक आ चुका है, मैंने बुक कर लिया, यहाँ से मैंने बाय करा, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे अगर वापस रिवर्स आने गया कॉस्ट टू कॉस्ट मैं ले आऊंगा मेरे ट्रेड को, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट के बाद मैं जाने दूंगा, जेब से तो कुछ लग ही नहीं रहा ना, जब मैं यहाँ पे ट्रेड में एंटर हुआ तो उसके बाद ये यहाँ तक आया लोग, फिर यहाँ तक आया, फिर ये ऐसे ऊपर भी गया, लेकिन मैं यहाँ पे बुक करके निकल जाऊंगा, तो सही जो चीज विकास सर बोलते हैं ना 50 पॉइंट 100 पॉइंट मजाक मजाक में मिलेंगे वो ऐसे ही मिलते हैं, ये देख लो आप इन द मनी के कॉल्स उठाओ क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे सर। इसमें स्टॉप लॉस प्रीवियस सेलिंग के नीचे आता है ना, स्टॉप लॉस आप प्रीवियस सेलिंग के नीचे डाल सकते हैं, पर देखो जब अपन इस जगह पे एंटर हो रहे हैं ट्रेड में, यहाँ पे ये है वैल्यू एरिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर हुआ तो मैं जनरली आप थोड़ा बहुत डेविएशन मान सकते हो, लो का वो लगा लो, बट देखो स्टॉप लॉस और वो सब चीजें क्या है, वो जब अभी विकास सर सेशन लगे ना एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस उसमें वो रहेगा, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं लेवल का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मैं पॉइंट्स का नहीं लगाता, लेवल का स्टॉप लॉस मतलब कि मुझे पता है यार ये यहाँ पे ए पीरियड था बी पीरियड था, मैं इस जगह का ऐसे नहीं, मुझे लेवल देखना है कि मेरा लेवल कहाँ है, अगर मैं यहाँ पे हूँ और मेरा पुअर हाई यहाँ पे है तो मैं इस हाई का लगाऊंगा कि जब मार्केट मेरा ये ब्रेक कर जाएगा ना तब मैं निकल जाऊंगा ट्रेड में, तो फिर मुझे मतलब नहीं है कि ऑप्शन में मेरा कितना प्रीमियम आ रहा कितना नहीं आ रहा, बट कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार प्रीमियम 180 रुपये का है, लेट्स से कि 80 रुपीज़ अभी कोई चल रही है, और मैं बोलूँ कि मैं किसी लेवल पे लगा रहा हूँ और जब तक उस लेवल पे आएगा हो सकता है कि वो 220 रुपये 300 रुपये हो जाए, तो स्टॉप लॉसेस भी बढ़ जाते हैं, और वो 80 रुपये हो सकता है 10 रुपये हो जाए प्रीमियम, क्योंकि ऑप्शंस की तो थ्योरी वही है कि वो ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम डीके और वो सब चीज़ें चलती हैं, तो हो सकता है डीके उस लेवल तक उसको इतना करप्ट कर दे कि वो 80 रुपये की चीज़ 10 रुपये में हो जाए, फिर मुझे 70 रुपये देने पड़ेंगे मेरे जेब से, 70 रुपये का प्रीमियम मुझे ऐसा लेना पड़ेगा, बट जनरली ऐसा नहीं होता है अगर आप देखेंगे ना तो, क्योंकि अपन इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं तो जो चार्ट हो ना स्पॉट चार्ट उसके ही वो आपके स्टॉप लॉस लगते हैं कि इस लेवल पे आएगा मैं निकल जाऊंगा, बट विकास सर आपको मतलब प्रीमियम का भी बताएंगे, उन्होंने उस पर भी मास्टरी कर रखी है कि प्रीमियम से कैसे पता लगाए कि हाँ यार अपना स्टॉप लॉस अब हो गया है या इतना अपन रख ले,
हर एक का एपेटाइट अलग होता है। आज मैं मुझे पता है कि मैं डेली ये टारगेट कर रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा हूँ, तो अगर अपन प्राइस एक्शन के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो 235 पे मैं एंट्री कर रहा हूँ और इस जगह के आसपास 300 के ऊपर मैं एग्जिट कर रहा हूँ, तो 1:1 का भी लगाते हैं अपन, तो ये लेवल आ जाता है ना अपना यहाँ पे कि 1:1, यहाँ का एसएल यहाँ का प्रॉफिट। तो अब वो आप लोगों को आपका देखना है कि आप लोगों को कैसे करना है, कि आप यहाँ पे 1:1.5 का लगा सकते हो, 1:2 का लगा सकते हो, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, बट फिर आपको सारे ट्रेड्स वैसे ही रखने हैं, मतलब आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेज रखना है। मार्केट प्रोफाइल के बेस के ऊपर जाओ आप, ये आपको एक सेटअप है ये आपका, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड भी तो आपको मैनेज करना है। कमा आप 20 रुपये ले हो, दे आप 40 रुपये ले हो डेली, तो वो तो गलत है, लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड ऐसे है कि हाँ यार आज मुझे ये बोल रहा है इतना यहाँ का, बट मुझे प्रॉफिट इतना दिखा रहा है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैच कर जाता है कि यार प्रॉफिट मेरा इतना है, एसएल मेरा इतना है, ठीक है मुझे जाना चाहिए। बट फिर बाकी की सारी ट्रेड्स भी आपको ऐसे ही लेनी है इसी इसी वेरिएशन के अकॉर्डिंग, तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो पाएगा। और दूसरी चीज ये है, 90% लोगों से ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, अपन को पता है टारगेट की फर्स्ट टारगेट या डेस्टिनेशन पता है ना अपन को, कि ये ऊपर गया ये नीचे आएगा यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे भी आ सकता है, बट यहाँ पे देखो इतना ही लोअर लेवल पे आया, वॉल्यूम सबसे ज्यादा ट्रेड होने लग गया, फिर यहाँ से वापस ऊपर चला गया, अब अपन को ये दिख रहा है ऊपर जाएगा, तो हद मारे हुए कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे ये टारगेट मिल गया ना, अब और भी ऊपर चला जाए, पर कुछ तो टारगेट्स अपन को मिल रहे हैं कि हाँ भाई ये लो है ये हाई है ये इसके वाजिब दाम है। अब अगर यहाँ से ये शुरू करता है या यहाँ से शुरू करता है या इस जगह से शुरू करते हैं अपन, ठीक है, तो ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे बुक कर लिया, मार्केट के अंदर ये दिख देख पाना कि किधर मार्केट जा रहा है और कहाँ तक जा सकता है, ये प्रेडिक्ट करना, मतलब आप अच्छे खासे एनालिस्ट हो मार्केट में। इसके अलावा और कोई आशीष भाई, ये क्वेश्चन? ब्लू हिस्टोग्राम और एक ग्रीन हिस्टोग्राम का क्या सिग्निफिकेंस है ये? इनका मतलब ये है कि देखो जैसे अभी मैं जैसे स्क्रॉल जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मैं एक चीज पूछता हूँ, सबसे ज्यादा इन 3 दिन के हिसाब से सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ ट्रेड हुआ है, पीओसी पर। यहाँ, ठीक है यहाँ पे, और वो कहाँ है इस जोन में, ये इस दिन का पीओसी है। बिल्कुल इन 3 दिन के अंदर से मार्केट प्रोफाइल के ज्यादा लेवल कहाँ दिख रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे फिर ऊपर, मैक्सिमम लेवल्स कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे, प्राइस सबसे ज्यादा कहाँ ट्रेड हुई है इस लेवल से लेके इस लेवल तक, अगर मैं देख रहा हूँ तो वो यहाँ तक हुई है ट्रेड, ऊपर कम हुई है, तो बिल्कुल मतलब जो वैल्यू जैसे प्रोफाइल जैसे मार्केट प्रोफाइल का वैल्यू रहे होता है वैसे वॉल्यूम का भी है कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा हुई है इसके कंपैरिजन में, इसलिए वो इसको ग्रीन कलर दिखाता है और यहाँ पे ऊपर दिखाता है, ये आपका व्यू है कि आप कितना एरिया रख रहे हो तब वो आपको व्यू दिखाएगा। तो ये आपको क्या करना है, अगर आपको लेवल्स निकालने हैं ऐसा कर लो आप कि यार मैं पिछले 3 से 4 दिन के निकाल लेता हूँ, मुझे पता लग गया ये वॉल्यूम है, बट आप अगर आपको ट्रेडेबल वाले में देखना है कि हाँ भाई आज कैसे खुल रहा मार्केट वॉल्यूम का है, तो आप सेशन वाले लगाओ ये वाले, उससे आपको आइडिया क्लियर होगा, ये रहा, तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे वॉल्यूम कम है यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है इस जगह पे, तो मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा तो दो ही मूव पॉसिबल है। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम मतलब ज्यादा पार्टिसिपेंट यहाँ पे, अब वो पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, या तो इसको नीचे ले जाएंगे या इसको ऊपर ले जाएंगे, तो अगर इसको नीचे ले जाने लग रहे हैं वो, तो आपको डेस्टिनेशन ऑलरेडी पता है कि ये लेवल है भाई यहाँ तक आएगी, अब वो आपका लेवल तो आपको मिल गया ना, वो चाहे जितना नीचे जाए, अब आप ये भी देख रहे हो कि वो रिवर्स कहाँ से मारा है, ये देख रहे हो आप लेवल, तो ये चीजें आप लोगों को बाद में और समझ में आएगी कि यार ये पीओसी से ही रिवर्स मार गया यहाँ से, ये देख रहे हो आप, वो यहाँ से भी रिवर्स मार सकता था, तो आप लोग यहाँ पे ब्लैंक नहीं हो, आप लोग कई लोग ये सोचते हैं नीचे जा रहा है अब तो ये नीचे ही जाएगा, अरे टूट के थोड़ी गिर जाएगा, कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट लेगा, तो वो सपोर्ट कहाँ से ले सकता है यार, पीओसी से ले सकता है, ये एक वाजिब दाम है, यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, आए भी वो यहाँ से भी आ सकते थे वो यहाँ से भी आ सकते थे, तो आपको पता लग जाता ना इससे यार ये रिलेटेड लेवल है। एक इससे रिलेटेड एक रिक्वेस्ट है, इसका सेटअप का यूआरएल भेजेंगे। इसका जो ऑलरेडी शेयर्ड है बाकी मैं आप लोगों को और भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इसका क्लीन मतलब लग रहा है सेटिंग्स मुझे, कैसे क्लीन लग रहा है आप, मुझे इसलिए। अच्छा क्लीन, वो तो मतलब मैं बना लेता हूँ इसके अकॉर्डिंग, आप लोगों को जैसे जो सेटिंग्स बताई ना वही है सेम,
ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना लिंक्स भी आएंगे ग्रुप में ऑलरेडी। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो पहले के लिंक्स भी है ग्रुप में मार्केट प्रोफाइल के, वो भी है, नहीं होंगे तो दोबारा शेयर कर देंगे। इसके स्क्रीनशॉट्स भी आप निकाल सकते हो अगर आप इसके अंदर निकालना चाहो तो। एंड मैं एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ इसीलिए। वैसे तो मैंने आपका यूट्यूब जो 18th अक्टूबर वाला देखा है तो उससे भी काफी क्लैरिटी है। हाँ वो मैं इसलिए ही बनाया था कि वो चीजें समझ में आए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग टूल्स हैं, यही यूज करते हैं इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई बता रहा हो उन्हें, वो भी ऐसे यूज करते हैं। और प्रूफ क्या है इसका कि वो ऐसे यूज करते हैं, तो आप देखो ना जो इसके लेवल्स आ रहे हैं वहीं से कुछ ना कुछ तो मोमेंटम हो रहा है। मतलब अगर ये मार्केट नीचे जाता दिख रहा है इस जगह पे, तो मुझे ये दिख रहा है ना कि यार मार्केट नीचे जा रहा है, कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक कहाँ तक कुछ नहीं पता। थोड़ा सा जूम कर ले यार, पुराने दिन का पीओसी देखते हैं, ये इस वैल्यू एरिया का तो क्रॉस कर गया ना, और भी नीचे जाने लग रहा है ना अब। मतलब यार यहाँ पे ये जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू थी, जो इसकी वैल्यू थी, अपने वाजिब दाम से एकदम निकल चुका, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो कहाँ जा सकता है फिर अपना दूसरा चीज हो जाता है कि यार पुराने दिन का पीओसी देखते हैं कहाँ पे है। तो 1, 2, 3, 4 दिन का पीओसी देख लिया इस जगह पे है, और वो यहाँ से रिवर्स मार गया। ये देखो आ रहा है पुराने दिन का भी, और पीछे तक वो यहाँ पे आया, विक बनाई, बायर एक्युमुलेट हुए, वापस उस जोन में लेके आ गए। इस सेटअप के ऊपर अगर आप मेरी बात मानते हैं सब लोग, तो सबसे पहले है ना इसके बैक टेस्टिंग करनी है आप लोगों को। कुछ नहीं करना, पुराने वाले ओपन कर लेने हैं, बार रिप्ले में आना है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और फिर चलाना है इसको, तो आप लोग देख पाओगे कैसे बन रही हैं चीजें, कहाँ से बाहर जा रही है, फिर वापस घूम के कैसे अंदर आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर वापस घूम के अंदर आ रही है, कैसे आ रही है वो, तो आप लोगों को पता चलता जाएगा कि यार यहाँ पे पहले पीओसी था, ऊपर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब ये इतने के अंदर पता लग गया पी प्रोफाइल बनी है। कितने बजे तक पता लग गया? 12 बजे से पहले पहले, 1 बजे से पहले पहले, अभी भी 2 घंटे हैं मेरे पास। ये लो एक ट्रेड बन गया यहाँ पे कि पी प्रोफाइल है, मतलब लोअर नहीं जाएगी, पीओसी पे आएगी, मैं ट्रेड उठा लूंगा, ऊपर तक गया, हाई भी गया, मेरा बन गया पैसा। 150 पॉइंट हंसते खेलते आए नहीं आए, आते हैं। आप लोग इसको बार रिप्ले से चला के देखना, बैक टेस्ट करना, तब आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं ट्रेड कब उठाऊं, कैसे उठाऊं, और जो मैं ट्रेड उठा रहा हूं वो सही है क्या। मैं जनरली अगर आपको एक बेसिक सेटअप्स बताऊं मेरे खुद के, तो मैं वैल्यू एरिया हाई या वैल्यू एरिया लो, मैं वेट करता रहता हूं ये कब इसके बाहर जाए और कब इसके बाहर जाए। अगर ऊपर गया मैं शॉर्ट का वेट करता हूं, लोअर नीचे गया तो मैं बाय का वेट करता हूं कि अब मेरे को बाय करना है, अब मेरे को यहां पे शॉर्ट मारना है या पुट खरीदना है। ठीक है, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। कई लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वो यहां पे कॉल शॉर्ट करना चालू कर देंगे, कई लोग अगर यहाँ पे पुट शॉर्ट करना चालू कर देंगे जैसे ये बाहर जाएगा। बट अपन को ये भी देखना है कि वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है यानी कि वो, मतलब कंबाइन सेटअप है ये, वन ऑफ द थिंग है बट बहुत क्रूशल चीज़ है ये। हमारे मतलब जो सर बताते हैं सारी चीज़ें है ना, उनका बहुत ही मेन पार्ट है ये। उसके बाद सर डेटा को प्रेफरेंस देते हैं, जो अपना ऑप्शन चेन है उसके लेवल्स, कि यार ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आएगा या नहीं आएगा, क्या पता यहाँ पे कोई हो सकता है यहाँ पे इतनी ज़्यादा पोजिशन बन जाए कि आने ही ना दे ये बायर्स को। आज अगर लिमिट सेलर यहाँ पे आ जाएंगे तो इन बायर्स का क्या है कि कुछ है भी उनके सामने, नहीं है कुछ भी, तो अपन पोजीशंस भी देखेंगे कि यार ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन बन रही है, क्या कहीं यहाँ पे तो ओपन इंटरेस्ट नहीं बन गया जबरदस्त कि वो इस लेवल के अंदर ही नहीं आ पाए। अपन को यहाँ पे रिवर्सल दिखता है। हाँ सर थोड़ा पीछे लीजिए, सर यहाँ अभी पुअर हाई बना है और उसके बाद मार्केट फॉल हुआ है सर, और बाद में उसने ब्रेक करके वापस ऊपर गया, तो ऐसे हम ये पुअर हाई है ना, आप इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है कि ये पुअर हाई है, ब्रेकेबल हाई होगा आते टाइम। ये ब्रेकेबल हाई है जब और कब, इस दिन का आप वेट करो, जब यहाँ से ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं ना इस जगह पे ए पे, तो आपने ये मार्क कर रखा होगा पुअर हाई का लेवल, तो आपको दिख रहा है मार्केट ओपन यहाँ हुआ, यार ये तो टूट जाएगा आराम से, दिख रहा है अपन को कि ये पुअर हाई है एक तो, और मार्केट यहीं ओपन हो रहा है, तो इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी आप खुद बताओ यहाँ से है, और उतने ही पॉइंट्स आपको मिल गए यहाँ पे। ये बैंक निफ्टी के अंदर तो आपको 150 पॉइंट मिलते हैं, बट अभी बना है ना पुअर
हाँ बना है, वो बना है, वो मैं लेवल मार्क कर रखा है, बट मैंने इसके ऊपर ऐड नहीं करा वरना वो क्लटर्ड हो जाता पूरा। अब यहाँ पे ये है कि देखो ये पुअर हाई बना, मार्केट ऊपर ट्रेड हो रहा था, बट यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिवेट हो गए कि नहीं भाई ये वैल्यू नहीं है, तो एंड ऑफ द डे वो वापस कहाँ लिया है इसको, नीचे लेके आगे। यस सर। तो अपन को ये भी देखना है अगर अपन ये ट्रेड ले रहे हैं तो पुअर हाई टूटता है वो बात समझ में आती है, लेकिन जब देखो किसी भी कोई हाई टूटता है या कोई लो टूटता है तो उस जगह पे अपन को ये भी देखना पड़ता है कि ऐसे लेवल्स के ऊपर जो देखो इंट्राडे वाले जो बंदे हैं वो तो यहाँ पे आएंगे आएंगे, बट जब पुअर हाई है मतलब डेज हाई है ये और ये डेज लो है, ये जब चीजें टूटती है ना तो जो अदर टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स है ना, जो डेली टाइम फ्रेम पे या जो स्विंग टाइम फ्रेम वाले हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग उसका ध्यान रखते हैं कि हाँ हाई टूट गया है लो टूट गया है, तो उनका भी अपन को देखना है। अब ये मार्केट ऐसे तो ऊपर ही चला जाना चाहिए था लेकिन ये घूम के वापस क्यों आ गया, क्योंकि इस जगह के ऊपर सेलर्स भी एक्टिवेट हो गए होंगे, थोड़ा बहुत मोमेंटम आया यहाँ पे राइट, लेकिन देखो ये इस जोन के बाहर नहीं जा पा रहा, फिर वापस इसको नीचे ले आए वो, लेकिन फिर बायर्स को भी पता है यहाँ पे कि यार ये वाजिब दाम नहीं है, वापस ट्राई कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे मार्केट खत्म हो गया। ओके सर, थैंक यू। सो इसको अपन को क्या है बैक टेस्ट आप लोग एक बार देखना पड़ेगा, मतलब मेरी रिक्वेस्ट जनरली है, मैं इसमें इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ क्योंकि मैंने पूरा साल भर का बैक टेस्ट किया है इसमें। अब गो चार्टिंग के अंदर आप लोग एटलीस्ट 3 महीने का तो करो, 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पता है इनका थोड़ा जो सिस्टम है वो लोड ले देता है यहाँ पे, जब आप बैक में चलाओगे ना तो थोड़ा बहुत रहेगा, बट ठीक है। अगर मैं आप लोगों को ये बताऊँ, मैं पहले निंजा ट्रेडर भी यूज़ करता था, मतलब और भी एडवांस चीज़ें यूज़ करी हुई है, उनकी जो प्राइस है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे आप $740 दोगे 1 महीने का तब वो आपको वो सारी ये सारी चीज़ें अलाउ करेगा, और ये बेचारे आपसे 1000 रुपये मांग रहे हैं, 1100 आई थिंक, उसके अंदर आप लोगों को लेवल्स बता रहे हैं यहाँ पे, और वो एक्चुअली काम करते हैं। किसी एक दिन अगर नहीं काम करता, देखो कोई मार्केट के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो एकदम परफेक्ट हो, नहीं, कभी कभी बड़े बड़े हेज फंड्स भी फंसते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ख़राब हो गई चीज़ें, नहीं वो आज नहीं चली कोई बात नहीं, अपन वो देखें क्यों नहीं चली, अपन को यहाँ पे डेटा दिख रहा है ना कि अगर आज मैं किसी ट्रेड में फंसा हूँ तो मुझे डेटा मिल रहा है, मैं उस चीज़ को याद रखूंगा आगे कि अगली बार अगर ऐसा कुछ डेटा बन रहा हो तो मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगा। तो फंसते हो ना अगर आप, या कोई SL जाता है तो अच्छी चीज़ है वो कि हाँ चलो ये इतने में ही निकल गए, मैं तो बोलता हूँ SL अगर किसी का जाता है ना तो बढ़िया कि चलो यार इतने में ही निकल गए, और सीखने को बहुत चीज़ें मिलती है, जब आपको ऐसा लगता है ना तब आदमी थोड़ी देर तो एक बार बैठता है कि हाँ यार क्यों गया क्या हो गया, और कभी कभी फायर फाइटिंग होती है कि भाई आप लोगों को पता है कि नीचे जा रहा है लेकिन आपने मान लो यहाँ पे कॉल ले लिया तो आपको पता है कि यार 2-1 घंटा भी बचा हुआ है मार्केट रिवर्स करेगा थोड़ा, तो ये और वो क्यों रिवर्स करेगा, क्यों करेगा क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि यार ये वैल्यू एरिया लो है, ये यहाँ से रिवर्स करना चाहिए, अपने वाजिब दाम पे आना चाहिए, और आप डेटा भी देख रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ इसके बेस के ऊपर आप उठा लो कि यहाँ से आप बाय कर लो, आप लोग क्यों वेट करोगे क्योंकि आप डेटा भी देख रहे हो कि ऑप्शन चेन के अंदर यहाँ पे है कि यहाँ पे है ना सबसे ज़्यादा पोजीशंस बनी हुई है तो वो इस लेवल पे 17,500 पे, तो यहाँ से सपोर्ट आ सकता है, तो आप लोगों को 2 जगह कन्फर्मेशन मिल गया ना। इसके साथ VWAP भी कंबाइन करते हैं हम लोग, और भी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेंगी, तो किसी एक टूल के बेस पर नहीं ट्रेड लेते हम लेंगे अगर अपना पूरा सेटअप ही बोल रहा है ना कि बाय तो बाय सेल तो सेल, एक आदमी बोलेगा थोड़ी कोई जाएंगे। हाँ मार्केट प्रोफाइल मतलब उन सब के अंदर से इसके अच्छी खासी वेटेज है उन सारे सेक्टर्स में से, तब जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है, क्योंकि आपको अपने आप को 90% से अलग करना है आपका काम हो जाएगा। आशीष सर, और हाँ बताइए सर, जैसे हमें अभी पता है कि हमारा एरिया है वैल्यू एरिया हाई एंड लो और हमें एग्जिट कहाँ पर करना है POC एंड नेक्स्ट लेवल, तो उस केस के अंदर जब हम एंट्री लेते हैं तो सर इन द मनी कॉल लें या इन द मनी या आउट ऑफ द मनी? देखो आउट ऑफ द मनी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बताऊं क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है, एक तो अपन ऑप्शन बायर ऑलरेडी डीके अपन को मार रहा है, वहां पे अपन पहले से ही फंसे हुए हैं, ठीक है वहां पे पहले से ही फंसे हुए हैं, दूसरा अपन को ये पता है कि ये आने लग रहा है, अब ये देखो ये 1 घंटे में आए यहाँ पे भाई, 30-30 मिनट्स की कैंडल है, आपने यहाँ से मानो यहाँ का ट्रेड प्लान किया होगा, जैसे ये रेड दिखा होगा आपको कि हाई को टच कर दिया, आप नीचे की तरफ आने लग रहा है, वॉल्यूम ऊपर है नहीं, नीचे की तरफ ही आ रहा है, इस जगह पे कर लिया होगा मान लो आपने, तो भी आपको आधा घंटा वेट करना पड़ा ना, आधा 1 घंटा यहाँ पे। yes. तो
तो डीके तो मतलब अगर मानो आप आउट ऑफ द मनी लोगे तो वो बराबर तो यही कर देगा आपको, जितना प्रॉफिट आपने बनाया वो बोलेगा हाँ ठीक है डीके का इतना बनता है दे दो, क्या मिला कुछ नहीं मिला। इन द मनी में उठाओ तो इन द मनी में डायरेक्शन पता है ना जब आपको, तो इन द मनी जाओ। आउट ऑफ द मनी आप कब जाओ, जब आपको यहाँ पे कोई लेवल दिख रहा है पर ये इतना लंबा मार्केट चला नहीं, यहाँ से अगर आप उठाते ना आउट ऑफ द मनी वो यहाँ पे जाता, इन द मनी बनता मस्त एकदम, बहुत बढ़िया आपको प्रीमियम मिलता। क्योंकि जब एट द मनी या आउट ऑफ द मनी की चीज जब इन द मनी बनती है ना तो ऑलरेडी स्पाइक आ जाता है 5 पॉइंट प्लस का, इन द मनी बनते ही 5 पॉइंट एकदम झटके से बढ़ते हैं, और वो 5 पॉइंट ऐसे बढ़ने में आपको रुला देंगे कि कब बढ़ रहा है कब बढ़ रहा है कब बढ़ रहा है। तो इन द मनी में जाओ, वो मैं रिकमेंड करूंगा। और अगर एक्सपायरी डे है तो मैं तो देखो मतलब अगली एक्सपायरी का ही उठाता हूँ उस दिन। सभी मतलब हमारी टीम में सब लोग ही है ना, डीके देना तो कोई पसंद नहीं करता। नीतीश है, नीतीश बिल्कुल डीके नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, वो अपनी जिंदगी में नहीं देगा, वो चाहे उसके अगले से अगले वाले का ले लेगा, वो बिल्कुल नहीं देगा। सो डीके से भी अपन को बचना है। तो ये सारी चीजें मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, ये वन ऑफ द थिंग है, बाकी सारी चीजें अपन कंबाइन करेंगे तब अपना एक विजन बनेगा, तब अपने लेवल्स बनेंगे। आज विकास सर मॉर्निंग में खुलते ही बोलते थे 40,000 जाएगा भाई ऊपर, या 1,000 पॉइंट ऊपर जाएगा, या 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा वो? वो इस डेटा की वजह से जाता है, वो डेटा देखते हैं। क्योंकि कभी भी उसमें मत जाना यार मेरे को लग रहा है ऐसा जाएगा, क्यों लग रहा है भाई? कभी कुछ नहीं होता मार्केट में, अच्छे अच्छे वाले जिनको लगता था सब बाहर हो गए मार्केट से, अब उनको लग ही रहा है वो कि मार्केट उनको वापस बुलाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। डेटा कम से कम डेटा को देख के अगर अपन कुछ चीज़ ड्रॉडाउन करते ना तो अपन को ये पता है कि यार मैंने इस चीज़ को देख के ये प्रेडिक्ट किया है, तो उसमें मैंने किसी वैलिड चीज को देखा है, उसके बाद मैं कुछ निकाल रहा हूँ, और फिर मैं गलत हो रहा हूँ तो मैं बाकियों से तो बहुत सही हूँ जो बिना कुछ सोचे समझे गलत हो रहे हैं। क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट इतना तो है कि भाई मैं उसको सही कर सकूं, उस डेटा को, जिस चीज को मैं देख रहा हूँ मैं उसको देखने का विजन चेंज करूंगा, मैं उसका तरीका बदलूंगा, बट मैं एटलीस्ट वहां पे तो सही हूँ। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन किसी का? सर एक और चीज थी, जब आप कह रहे हैं कि जब वैल्यू एरिया हाई पे जाता है तो आप शॉर्ट करते हैं वहां से, तो अलोंग विद दैट आप डेल्टा भी चेक करते हैं उस समय? हाँ सर, वो सारी चीजें आएंगी, मैं डेल्टा भी देखता हूँ, मैं डाइवर्जेंस भी देखता हूँ वहाँ पे, वीवेब का भी मैं एक सिग्निफिकेंट मानता हूँ कि वीवेब से कहाँ पे है वो, एंड इवन उसके बाद में ऑप्शन चेन। सो ये सारी चीजें कंबाइन होती है ना, तब यहाँ पे चार्ट के ऊपर एक मस्त पिक्चर बनती है, फिर उस पिक्चर से अपन बताते हैं कि हाँ अब किधर जाएगा, ये किधर जाएगा। विकास सर बताते हैं ना 100 पॉइंट 200 पॉइंट, 200 पॉइंट का प्रेडिक्शन करना बहुत बड़ी बात है, मतलब इंट्राडे के अंदर कि आज मार्केट यहाँ जाएगा, बहुत बहुत ही जबरदस्त चीज है 200 पॉइंट बता देना यहाँ से लेके वहां जाएगा। मैं बोलता हूँ 200 पॉइंट छोड़ो, कोई मुझे 20 पॉइंट भी बता देना, मेरे लिए तो वो भी बहुत जबरदस्त चीज है कि अब इस पॉइंट से 20 पॉइंट ऊपर जाएगा, पर कोई गारंटी से बताए, मतलब गारंटी भी मार्केट में किसी की नहीं है। लेकिन अगर एक्यूरेसी है कि यार 10 में से अगर 6 बार भी सही हो रही है ना चीजें, मैं तो उस आदमी को ब्रह्मा जी मानूंगा। क्यों यार 6 बार सही हो रही चाहिए, 4 बार गलत हो रही है, मैं एसएल दे दूंगा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं ऐसे मैनेज करूंगा, 4 बार गलत तो गलत, कम से कम प्रॉफिट में तो हूं मैं, मेरा कैपिटल तो कहीं नहीं गया, वो बढ़ा ही है उल्टा। सो वो कैसे बता देते हैं? इसी डेटा की वजह से बता देते हैं। आप लोगों को दिखेगा ये मार्केट नीचे जा रहा है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है यार यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके वो घूम गया, तो आप यहाँ पे नहीं घुसोगे। अपन को सबको दिख रहा है कि मार्केट नीचे गिर रहा है नीचे गिर रहा है, आप भी सोचोगे यार नीचे गिरते हुए मार्केट है, मैं भी पुट ले लेता हूँ थोड़े से पैसे बन जाएंगे, लेकिन क्यों ले लेता हूँ? पिक्चर तो पूरी खत्म हो गई, उसके बाद अपन जा रहे हैं उस ट्रेड में तो फंसेंगे। ये लेवल्स बहुत काम आते हैं अपने ये बताने में कि अपन जो ट्रेड उठाने वाले हैं क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं अपन को। मार्केट में देखो डेली मार्केट आएगा डेली जाएगा, मैं वही ट्रेड उठाता हूँ जिसमें मुझे मेरे सारी चीजें बोलती है ना कि हाँ ये लेवल आएगा, सारी चीजें उसी पॉइंट उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तभी मैं जाता हूँ। मैं नहीं ट्रेड करूंगा उस दिन, कई दिन आए मेरे पास ऐसे सर बोलते आज ट्रेड नहीं करें, मैं नहीं सर आज मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही चीजें, तो मैं नहीं ट्रेड करता। अगले दिन फिर आएगा मार्केट, कहाँ जाने वाला है मार्केट। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? सर ये फ्राइडे का अगर हम लोग एग्जांपल ले तो फ्राइडे को पुट कब बनता था अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्रोफाइल जो अभी आपके सामने सेशन है? ये वाला इसमें पुट कब बनता है क्योंकि निफ्टी का ये वैल्यू या ये वैल्यू एरिया हाई को टच करके ये नीचे आया, फिर उसने वापस एक ग्रीन कैंडल दिया,
जब इसने ग्रीन कैंडल दिया इस जगह पे, हाँ इसने नीचे आया, फिर उसने वापस एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिया। हाँ बताता हूँ, ये ग्रीन कैंडल है, करेक्ट, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल है ना। अब अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे वैल्यू हाई को टच किया, पहला कन्फर्मेशन ये मिला मुझे कि ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक गया भी, ये यहाँ पे बन रहा है, आप लोगों को यहाँ तक डायरेक्शन मिल जाएगी। हम लोग जनरली इस जगह के आसपास पकड़ लेते हैं इसको, ये रिजेक्शन लेना शुरू कर रहा है, फिर मैं डेल्टा भी देखता हूँ और भी चीज़ें देखता हूँ कि हाँ डेल्टा मुझे बता रहा है नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, सेलर्स हावी हो रहे हैं, मैं चला जाऊँगा और मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि यहाँ पे वापस ऊपर गया, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिख रहा है इतना नहीं, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, फिर अच्छा हो रहे हैं तो फिर भाई यहाँ पे तो वॉल्यूम दिख रहा है कि हाँ तुम लोग जान लगा रहे हो यहाँ पे, फिर यहाँ तक आते थे क्या हो गया, तेल खत्म हो गया, यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ रही है लेवल्स। अगर देखो इतनी जान इन्होंने लगाई, यहाँ पे सेलर्स थे, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, नो डाउट अच्छे खासे देखो वॉल्यूम आ रहे हैं कंपेरेटिवली बाकी सबके अकॉर्डिंग, यहाँ पे कैसे वॉल्यूम्स है इस जगह पे, इस लेवल के जैसा वॉल्यूम है यहाँ पे, इस लेवल के जैसा। सो यहाँ पे मैं समझ जाऊंगा ना कि यार यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका ट्रेड तो यहाँ बनता था, आप चाहो यहाँ बना सकते हो, बट वो अदर एनालिसिस से, वो वॉल्यूम से आप निकाल रहे हो यहाँ पे, ट्रेड आपका मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ बनता है और यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट बुक हो जाता है। यहाँ वाला जो ट्रेड बनता है ना वो अलग एनालिसिस से बन रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वॉल्यूम से बता रहा हूँ। ये देखो कि यहाँ पे इन्होंने जान लगाई कि हम नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है अच्छी बात है, लगाई लगाई यहाँ तक तेल खत्म हो गया इनका, वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे सब लोग खरीद रहे हैं लेकिन असलियत में तो यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है, दिख रहे हैं ना यहाँ पे भाई खरीद रहे हैं तो कहाँ है वो कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को दिख नहीं रहे, मतलब खाली अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो खाली मैं ही खरीदूंगा और मेरे को ही माल बेच के चले जाएंगे ये, तो मैं यहाँ पे तो नहीं खरीदूंगा बिल्कुल भी, मैं फिर वेट क्या करूँगा कि यार ये थोड़ा सा और ऊपर है इस जगह पे, एटलीस्ट इस लेवल तक तो आए, लेकिन ये नहीं आया, ये यहीं से सेलर्स हावी हो गए और वो वॉल्यूम के बेस के ऊपर हावी हो गए। देखो कई लोग देखते हैं थोड़ा हटाइए ना सर, तो आपका ये सेकंड पुट, आपका सेकंड पुट कब बनता है फिर इस केस में? मेरा सेकंड पुट यार मैं इस जगह पे बनाता फर्स्ट, इस लेवल के पास है ना, ये फर्स्ट पुट बन गया, ये सेकंड पुट इस वॉल्यूम प्रोफाइल के एनालिसिस से बनता है कि यार यहाँ पे है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक गए, फिर ये हाई मारा, यहाँ पे वॉल्यूम कम तो नीचे आ गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे ये रेड कैंडल बनना चालू होगा ना, क्योंकि मुझे पता लग गया कि यार ये रेड कैंडल कब चालू होगा, यहाँ से चालू होगा हल्का हल्का बनना, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये विक दिख रही है, ये वाली देखो ये वाली विक, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, मार्केट सेंटिमेंट डाउन है, और फिर मैं ऑप्शन चेन देखूंगा कि असलियत में आज मार्केट सेंटिमेंट लोअर का है क्या, पोजीशन 17650 के ऊपर या 17600 पे ऊपर या 17700 पे क्या पोजीशन है, वो मुझे अगर डाउन का बोलेगी और फिर मुझे वॉल्यूम एनालिसिस ये बोल रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो वहाँ पे जाएगा ना जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, मतलब ट्रेड यहाँ पे कोई करने को तैयार नहीं है तो वो यहाँ पे करने को तैयार है, तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक बनेगा टारगेट, और वो सिर्फ इसके बेस पे नहीं, ये वन ऑफ द चीज है। हाँ इसने मुझे ट्रिगरिंग बता दी कि देख भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है, फिर मैं कंफर्म करूँगा क्या सही में जा सकता है, डेटा क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ट्रेड लूंगा, एक चीज के बेस पे नहीं करना, ये आपको बस दिखा रहे कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, फिर उसको डेटा से कंफर्म करेंगे, डेटा का कंफर्मेशन मिला फिर बाद में जाएंगे। हाँ सर ये जो बिग रेड कैंडल, ये जो ये रेड ग्रीन फिर ये बिग रेड, तो इसको हम ये एबीसीडी से यहाँ से स्टार्ट हुई है कैंडल, ये आई पीरियड है, ये ओवरऑल लोवेस्ट तक गया, फिर जे पीरियड वापस आया, पीओसी से रिजेक्शन लिया, अब रिजेक्शन कैसे लिया, जहाँ तक मुझे लग रहा है रिजेक्शन लिया ही होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं एक बार नहीं यहाँ पे पीओसी यहाँ से रिजेक्शन लेता, बट ठीक है ये नीचे आया फिर नीचे गया यहाँ पे आया, आपका एक ट्रेड ये बन जाता है यहाँ पे कि ये इतनी बिग रेड कैंडल बनी, फिर ये पीओसी के पास में आता ना अगर यहाँ पे और, तब आप पुट ले लेते, क्योंकि फिर वो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्लान करता, बट जनरली मेरा ट्रेड तो यहाँ पे ही रहता, अगर आप लोग मेरे से पूछते हैं लेवल मेरा यहाँ पे, यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट, यहाँ तक का सेकंड टारगेट, मैं यहाँ से
ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता, मुझे यहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिलता, मैं एक बार के लिए आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लूंगा, बाकी की मैं रख दूंगा और कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आऊंगा, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जेब से तो कुछ गया ही नहीं। सर ये फोर्थ लास्ट जो कैंडल है, फोर्थ लास्ट जो या ये जो रेड मनी है, लेकिन अगर आप इसको रियल टाइम पे देखोगे तो इसने क्या किया, ये ओपन हुआ उसके बाद ये ऊपर गया। हाँ ऊपर गया। हाँ तो ये कैसे यहाँ पे जज करे कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? मान लो कि जब ऊपर नीचे से ऊपर जाता है ना, बाहर से अंदर जाता है ना, तब आपको ट्रेड में होता है। अब जैसे यहाँ तक गया था, अब ये यहाँ से रेड बनने लग रही है, तो ये मैंने यहाँ पे तो नहीं बोला, पहली चीज तो मेरा लेवल यहाँ पे पास में, दूसरा ये रेड बन रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे यहाँ पे मैं कब एंट्री लूंगा, बाय कब करूंगा, जब ये घूम के यहाँ से बनना चालू होगा, जैसे ये वाली कैंडल है, ऐसे मान लो कि अभी मार्केट बंद नहीं हुआ है और यहाँ से एंटर हो रहा है, एंटर हो रहा है तो मुझे पता है ना कि यार यहाँ से एंटर हो रहा है और ये यहाँ तक जा सकता है, ये बंद हो गया ये अलग चीज है कि यहाँ मार्केट ही खत्म हो गया, बट यहाँ पे जैसे एंटर होगा मैं इस जगह पे एंटर हो जाऊंगा और इस जगह पे मैं निकल जाऊंगा, या फिर यहाँ पे मैं हाफ क्वांटिटी बुक कर लूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दूंगा और फिर यहाँ पे सेकंड टारगेट रख लूंगा, जो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगाऊंगा वही सेम कॉन्सेप्ट मैं इधर भी लगाऊंगा। और कोई क्वेश्चन? बाकी आप लोग टेंशन मत लो, ये सारी चीजों के साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि ये वन ऑफ द चीज, ये ट्रिगरिंग सेटअप है, ये आपको जस्ट आपकी अटेंशन ग्रैब करते हैं कि यहाँ से ट्रेड बन सकता है, बन सकता है तो फिर अपन डेटा देखेंगे और भी चीजें देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन इन सब चीजों को फाइनलाइज करेंगे कि हाँ आप चले या नहीं चले इसमें। ये दोनों तरफ से हिस्टोग्राम कहाँ से लाते हैं? दोनों तरफ से आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है एंड ये शो कर देना है कंपोजिट एंड सेशन, दोनों प्रोफाइल आप ऑन कर दीजिए, ये दोनों आ जाएंगे। तो ये सेशन किस बेस पे होता है? ये जो सेशन है करंट सेशन, जो आज की वॉल्यूम जो चल रही है ना, और ये कंपोजिट तो उसका कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन है या खुद ब खुद सेट कर? इंट्राडे का सेशन है ये जो है ना, ये इंट्राडे का है, मतलब जो उस दिन का प्रोफाइल चल रहा है ना उस दिन का, और ये जो चल रहा है ये पुराना स्क्रीन, जितना व्यू जितना आप स्क्रीन में लगा रखे हो ना उतने का। ओके और यहाँ पे दिख भी रहा है ये कैसे है, यहाँ पे मतलब कम वॉल्यूम इस तरफ है, ये 70% एरिया से बाहर है इसलिए इसका कलर अलग है, ये 70% एरिया के अंदर है इसलिए इसका कलर ऐसा है। और सर, है भी दिख भी रहा है, देखो एक दो तीन चार यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं ज्यादा, यहाँ पे एक बार ये बाहर गया। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अच्छा इसमें क्या मार्केट प्रोफाइल के माध्यम से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्यूरेट निकाल सकते हैं क्या? इसका क्या लॉजिक रहेगा? नहीं नहीं नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट प्रोफाइल के बेस पे नहीं निकलते हैं, वो कब होते हैं सपोर्ट, मार्केट प्रोफाइल बस आपको लेवल बताती है कि डेटा के अकॉर्डिंग मैं ये प्रेडिक्ट करूँ कि इस लेवल के आसपास इसको टच करना चाहिए, अब वो इसको क्रॉस भी कर जाता है कभी कभी, अगर मैं इसको सपोर्ट, अगर मैं इसको रेजिस्टेंस बोल दूँ इसको सपोर्ट बोल दूँ ये तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और ब्रेक हो गया तो फिर ये वापस अंदर क्यों आ रहा है, या फिर यहाँ से ये ब्रेक हो गया तो कभी तो ऐसा होना चाहिए ना कि ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर वापस ऊपर जाए, कभी कभी आपको ऐसा मार्केट दिखेगा कि वो इसी के अंदर ही घूम रहा है, खाली यहाँ ऊपर गया नीचे जा रहा है ऊपर गया नीचे जा रहा है ऊपर गया नीचे जा रहा है, ऐसे ही दिखेगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको नहीं मार कर सकते। तो सर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए सर क्या किस चीज को देखना पड़ेगा या ये एक लेवल है? कौन सा टूल को यूज करना पड़ेगा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्यूरेट निकाल दे? देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आप लोगों को यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस रियल टाइम पे बनते हैं कि जो मार्केट में कौन से पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई लिमिट सेलर्स यहाँ पे बैठा है, ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे लिमिट सेलर की प्रेजेंस करनी है कंफर्म, जैसे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, कैसे बना? यहाँ पे तो नहीं बना, ये यहाँ पे तो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कैसे मार्क होगी? यहाँ पे आप डेल्टा देखेंगे, डाइवर्जेंस देखेंगे, फिर यहाँ पे अपन ऑप्शन चेन का डेटा भी देखेंगे, फिर यहाँ पे अपन जो ऑर्डर फ्लो जो आपको सर बताएंगे ना कैसे ऑर्डर लग रहे हैं उसके बेस पे अपन को पता लगेगा कि या क्या यहाँ पे लिमिट सेलर है, अगर लिमिट सेलर है तो मतलब वो नहीं निकलेगा, बायर्स में इतना दम नहीं है, लिमिट सेलर्स को निकाल दें तो मतलब ये रेजिस्टेंस हो सकता है, अब अगर ये रेजिस्टेंस हो सकता है तो फिर मुझे मार्केट प्रोफाइल ये बोल दे कि ये भी मेरा ये लेवल है और यहाँ से अगर रेड कैंडल बनना चालू होता है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा और मैं यहाँ पे टारगेट बुक करूँगा, बट वो आप लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस होगा और कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा, अपन को कैसे पता चले कि वो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, और मानो पता भी लग गया तो ये कैसे कन्फर्म करोगे कि वो ब्रेक नहीं होंगे? हो सकता है यहाँ पे सिर्फ एग्रेसिव सेलर्स ने बनाया हुआ होगा, बाकी उन्हें नहीं बनाया होगा, तो लिमिट सेलर्स का भी जब चीजें कंबाइन होंगे, मैं वही तो बोल रहा हूँ ये एक चीज के बेस के ऊपर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मत निकालो, आप चीजें कंबाइन होने दो फिर उसके बाद देखेंगे अपन कि यहाँ पे कैसे प्रेडिक्ट करोगे आप। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंट होकर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इसलिए बोल रहा हूँ मैं लेके बैठा हूँ ये ट्रेड इस जगह का,
आप लोगों ने पूछा ना कि आप कौन सा पुट लेते हैं, मैं यहाँ पे ले आया था मैंने फ्राइडे को। तो एक कुछ आपके एक्सपीरियंस से पर्सनल क्वेश्चन है कि मान लिया आप 10 ट्रेड्स लेते हैं तो उसमें कितनी बार ऐसा हो सकता है कि आपको एसएल फेस करना पड़े? आई एम सॉरी, आप मना भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नहीं नहीं बताइए मुझे। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप अगर 10 ट्रेड्स लेते हैं तो उसमें एसएल कभी ऐसा होता है कि आपको एसएल हिट होता है? देखो मैं बताता हूँ मेरा ट्रेड का कैसे रहता है। जब अपन सेटअप्स कंबाइन करेंगे ना, ठीक है, तो मैं ट्रेड में जाता ही तो देखो मेरे एसएल्स कम लगते हैं बाकी लोगों के कंपेरिजन में। मतलब अगर आप सही में चीज सुनना चाहते हैं मेरे से, मेरे बाकी लोगों के कंपेरिजन में एसएल कम लगते हैं। ठीक है, मेरा एसएल कहाँ लगेगा? मैं यहाँ पुअर हाई के ऊपर हूँ, या फिर पुअर हाई छोड़ो, मैं यहाँ पे हाई लेवल पे हूँ। मैंने यहाँ पे डेटा देखा, अगर यहाँ से रिवर्स जाने लगेगा ना तो मुझे पता लग जाएगा यार इस जगह के आसपास, या फिर मैं लेवल्स के ऊपर ही मार्क करता हूँ सर। अब वो लेवल्स मैं कैसे निकालता हूँ? एक लेवल तो ये हो गया, उसके बाद मैं ऑप्शन चेन देखूंगा कि 17700 का मानो रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये ब्रेक हुआ इसका मतलब पोजीशंस कटना चालू होंगी 17700 पे। अगर मुझे यहाँ पे अच्छे खासे सेलर दिख रहे हैं, मार्केट यहाँ पे जा रहा है, तो मैं और ये भी देखूंगा कि मार्केट प्रोफाइल के बाहर निकल गया, तो मुझे एक ये लेवल मिल गया ना कि 17700 पे अच्छी खासी पोजीशंस बनी। मैं अगर ये ब्रेक हुआ तो ये 17700 वाले अपने पोजीशन काटना चालू करेंगे और मार्केट फिर ऊपर जाएगा एकदम। तो मतलब कि भाई ठीक है, अच्छे खासे मोमेंटम से ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे पोजीशन कटना चालू होगी। तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं लेवल मेरा इस जगह का निकल जाएगा जो उस दिन निकला था मेरा, कि 17700 के आसपास का मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, वो ले लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे बुक करा था। okay. तो इसलिए क्योंकि मैं एक तो हाई, मैं देखो जनरली ये बताऊँ, ये सेटअप आपको टॉप एंड बॉटम कोई कैच नहीं कर सकता सर, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा बहुत अपन कभी अच्छे खासे टॉप एंड बॉटम कैच कर लेते हैं। मेरे भी सर 100-100 पॉइंट के एसएल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। लेकिन जब मुझे देखे जाता है 300-300 पॉइंट भी तो देखे जाता है। सो अपने को वो भी है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताइए। नहीं थैंक यू, बाकी कोई बात नहीं सर। जैसे विकास सर आएंगे वो आप लोगों को और भी चीजें बताएंगे। आई थिंक सेशन भी बहुत लंबा हो गया। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल, और यहीं पे एक बार कॉल ऑफ करते हैं, बाकी आगे देखते हैं कैसा चलता है। थैंक यू गाइस, शेयर कर देता हूँ। हाँ मैं रिकॉर्डिंग का ना अभी डाल ही रहा हूँ, विकास सर को भेज देता हूँ। सर जब हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो तभी क्वेश्चंस आएंगे। हाँ तो आप अपना ग्रुप कम्युनिटी वाला वही है ना, उसमें पूछ लीजिए, या फिर जब अगला सेशन होगा तब भी पूछ लेना, या फिर लाइव मार्केट में विकास सर आएंगे उनसे पूछ लेना, इतने सारे सेशन अपने कभी भी पूछ लेना। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू गाइस, बाय बाय। Thank you. Bye.